ओके दोस्तों, तो हम आज से शुरू करने वाले हैं अपना डायरेक्ट टैक्स। हम कर रहे सहज बैच लोडेड। ये है पूरा सीए और सीएमए फाइनल के लिए, और आज से हम शुरू करेंगे डायरेक्ट टैक्स को। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे एंड अपने इसको टारगेट करेंगे कि बहुत अच्छे मार्क्स अपने स्कोर कर सके एग्जाम में। बट उसके पहले अपना सबसे पहला टारगेट होगा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ये अपना मेन टारगेट होगा। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो कैमरा ऑन कर ले ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं, एंड कैमरा ऑन करने से आपका फोकस भी बना रहेगा, एंड पुराने वाले लोग तो कैमरा ऑन करेंगे ही। चल आगे बढ़ने से पहले एक बार समझा देता हूँ आपका सिलेबस किस हिसाब से डिवाइडेड और किस प्रकार से आपको अटेंड करना है। तो डीटी सीए फाइनल के लिए है ग्रुप टू पेपर नंबर 4, सीएमए फाइनल के लिए ग्रुप थ्री पेपर नंबर 15। अपने सीए एंड सीएमए दोनों को केटर करेंगे। ये सेम बैच इज एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल एज वेल। इनफैक्ट आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती जुलती दिखेगी। इनफैक्ट पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम आते हैं। तो डीटी हम करेंगे सीए फाइनल का ग्रुप टू पेपर नंबर 4, सीएमए फाइनल का ग्रुप थ्री पेपर नंबर 15। एक बार सिलेबस समझ लेते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सीए फाइनल का जो सिलेबस है वो दैट इज डिवाइडेड इनटू एडवांस टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स 100 मार्क्स का। पहले यहाँ 70-30 टाइप का बाइफरकेशन हुआ करता था। अब जो अपना न्यू सिलेबस है इसमें कोई भी बाइफरकेशन नहीं है, बट अगर पुरानी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो 30 मार्क्स का जनरली ये आता है और 70 मार्क्स का ये आता है। बट ऐसे ऑफिशियल ब्रेकअप कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा हुआ है। तो अपने को सब कुछ पढ़ना है। तो एडवांस टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स मिला के 100 मार्क्स आएगा, और इसके साथ आपका आपका केस स्टडी। केस स्टडी सेपरेटली मेंशनड नहीं है आपके स्टडी मटेरियल में, बट केस स्टडी आएगा आपके पेपर में, एंड केस स्टडी को भी अपने को केटर करना है साथ साथ करते करते। सेम जैसे से अपने सब्जेक्ट आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको केटर करते रहेंगे। बात करें सीएमए फाइनल की, तो सीएमए फाइनल का सिलेबस भी एकदम सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा बाइफरकेशन है। बाइफरकेशन कैसे, यहाँ पे आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है कि एडवांस टैक्स आपका आएगा 50 मार्क्स का। एडवांस टैक्स मतलब होता है इंटर में जो आपने पढ़ा था वो तो है ही, उसके ऊपर भी कुछ है जिसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ एंट्री होती है इंटरनेशनल टैक्स की जो कि है 30 मार्क्स का, और केस स्टडी जो कि है 20 मार्क्स की। तो इस तरह का बाइफरकेशन आपके सीएमए के सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको जिसके हिसाब से ही अपने प्रिपरेशन करेंगे। अपना प्रिपरेशन अगर मोटा मोटी देखे तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, एकदम 99.999% एकदम डिट्टो सेम प्रिपरेशन है फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल। तो बिल्कुल भी घबराना मत, जब अपने सीए का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सर अपने सीए का क्वेश्चन क्यों सोल्व कर रहे हैं, बिकॉज वही आता है आपके पेपर में, इसीलिए अपने उसको सोल्व। स्टडी मटेरियल की बात कर ले, अब जिन्होंने आईडीटी ऑलरेडी कर रखा है तो बस वही सेम चीज है, रिपीट करना है अपने को यहाँ पे। तो स्टडी मटेरियल दो आपको मटेरियल मिला होगा, एक कॉन्सेप्ट बुक मिला होगा, एक कंपाइलर मिला होगा। दोनों ही बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, मेरे को पता है। कॉन्सेप्ट बुक इसमें डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, जिसमें अपने मल्टीपल पार्ट है, एंड पार्ट मतलब इसका ये मतलब नहीं होता है कि एबीसी एनालिसिस टाइप का कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर चंक में अपने को सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो चंक वाइज डिवीजन किया हुआ है। उसमें कोई भी एबीसी एनालिसिस वगैरह हम लोग नहीं करते ना, हम लोग उस हिसाब से पढ़ते हैं, बिकॉज आईसीएबी और सीएम इंस्टीट्यूट भी वो फॉलो नहीं करता है। कभी कभार फॉलो हो गया तो हो गया, ऐसे कभी भी वो चीज फॉलो नहीं होती। कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर में सारे क्वेश्चन है और टेबल फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन है, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किस तरह प्रेजेंट करना है। एंड टेबल भी बना हुआ है हर कंपाइलर के आगे टेबल बना हुआ है। मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप कोई भी चैप्टर खोलोगे तो आपको एक टेबल मिलेगा। इस टेबल में आपको मल्टी जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ लिखने, फिर क्वेश्चन टू डू है, एम्बिगुअस है कि इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर क्लास में आपने कर लिया टिक कर देना, होमवर्क कर लिया टिक कर देना, 50 प्लस हो गया टिक कर देना। मतलब अगर वन टाइम और किया तो 50 प्लस आ जाएगा, सेकंड टाइम और किया तो 60 प्लस आ जाएगा, एक और बार किया तो 70 प्लस आ जाएगा, एक और बार किया तो 80 प्लस आ जाएगा। दोस्तों कांग्रेचुलेशंस। तो अगर 80 प्लस चाहिए तो आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट्स के लिए जगह दे रखी है कि पॉइंट्स में आप जो भी पर्टिकुलर पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट मेरे को डालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, या कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको कैसे क्या प्रिपेयर करना है डीटी आईडीटी दोनों में बताऊंगा, जब जैसे जैसे मौका आएगा वैसे वैसे बताते चलो। अब अगर आप कॉन्सेप्ट बुक या कंपाइलर दोनों को देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, और इसको इसी तरह डिजाइन किया गया है कि सीएमए वाले एक दिन और सीए वाले डेढ़ दिन के अंदर इसको रिवाइज कर ले अच्छे से। इसके साथ साथ हम लोग समरी नोट्स भी बनाते चलेंगे। सर समरी नोट्स कैसे बनेगा और किस तरह अपने को करना, इसका एक झलक तुमको आज ही दिख जाएगा इस जो अपने चैप्टर शुरू करने वाले।
फर्स्ट टाइमर यानी जो पहली पहली बार पढ़े वो बिल्कुल इस बैच को कर सकते हैं। अगर आपको जीरो नॉलेज है डीटी का तो भी आप इस बैच को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड इंटर का थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो कि टैक्स क्या होता है, बस अगर इतना भी पता है तो भी आप इसीलिए इस बैच को कवर कर लोगे। इस बैच में सारे 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 अमेंडमेंट कवर है, इनफैक्ट जो अभी अमेंडमेंट रिलीज हुआ वो भी कवर है बुक में, तो बुक में जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन है वो सारे अमेंडमेंट है। क्लास का प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है, रिकॉर्डिंग आपको हमारे ओन ऐप में मिल जाएगा, एंड इसके साथ अपने रिवीजन एंड टर्बो मैराथन भी करते हैं। टर्बो मैराथन मतलब 5 से 6 आवर्स के अंदर पूरा सिलेबस को अपने कंप्लीट कर लेते हैं डीटी का। जी हाँ, डीटी का भी पूरा सिलेबस अपने कंप्लीट कर लेते हैं, एंड चैप्टर वाइज रिविजन तो अपना होता ही है, तो जिसको अपने कंटिन्यू करेंगे सेप्टेम्बर या अक्टूबर में। इसी के साथ इस बार सहज बैच में जो लोडेड है दैट इज योर मॉक टेस्ट। इस बार आपके 2 मॉक टेस्ट होंगे, एंड ये 2 मॉक टेस्ट में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको किस तरह लिखना है और आपको किस तरह आंसर प्रेजेंट करना, बिकॉज इफ कॉन्सेप्ट आने से होगा नहीं, आपको आंसर लिखना भी आना चाहिए। बस अब छोटी मोटी बातें और हैं, आपके टोटल 5 पिलर है, एक है कॉन्सेप्ट बुक, एक है कंपाइलर, एक है चार्ट एंड समरी यानी LMS जो मैं शेयर करूंगा, और एक है क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको यहाँ पे 2 नोटबुक मेंटेन करने, आपका एक नोटबुक होगा जिसमें आप चार्ट समरी LMS का जो भी आपको नोटिंग वगैरह करना है वो सारे आप करोगे, एंड एक नोटबुक होगा जिसमें आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, होमवर्क करोगे, क्लास वर्क करोगे, तो क्वेश्चन का नोटबुक अलग बना लेना, चार्ट एंड समरी LMS का नोटबुक अलग बना देना। एंड इन सब में गोल्डन आपका पिलर है, एंड द गोल्डन पिलर इज एम्प्टी एग्जाम्पल्स। एम्प्टी एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल्स होते हैं जिसका प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है अपने पेपर में, तो इसको अपने को बहुत अच्छे तरीके से करना, अच्छे से नोट डाउन करना है। जिन्होंने IDT कर रखा है अभी तक, IDT का अपना 8 क्लास हो चुका है, 8 क्लास हो चुका है, तो इस 8 क्लास में अपने काफी कुछ सीख चुके हैं कि एम्प्टी एग्जांपल क्या होता है, LMS कैसे मेंटेन करना, तो SICG अपने सीख के, आप लोग भी DT में जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे, वैसे मेजोरिटी ऑफ दी लोग कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। प्रीरिक्विजिट की बात करते तो आपको इंटरेक्ट करना है क्लास में, ये वाली क्लास नहीं है कि प्ले करके छोड़ दिया, चल रही है क्लास तो चल रही है, कोई लेना देना नहीं है, 2-3 घंटे आराम से टाइम पास हो गया, नाम के लिए क्लास हो गया, वो क्लास नहीं है। यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, एंड ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल फॉर यू, तो कैमरा जरूर से ऑन करें। सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आज आपका जुलाई हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, और CMA फाइनल के लिए सिर्फ 5 महीने, इतना ही समय है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, और इसमें भी आपको DT IDT दोनों बहुत वास्ट है जिसको आपको प्रिपेयर करना, और इसको प्रिपेयर करने का बस एक ही तरीका और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ोगे तो प्रॉपर तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर पाओगे। चलो ये चीज हमें समझ में आ गई। जैसे कि आपको पता होगा जो DT का अपना पूरा इनकम टैक्स है वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरा चैप्टर पढ़ा एंड मूव ऑन करते चले गए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। जो हमारा पूरा इनकम टैक्स है दैट इज लाइक अ स्पाइडर वेब, जिसमें से एक सेक्शन लिंक है दूसरे से, दूसरा लिंक है तीसरे से, तीसरा वापस पहले वाले से लिंक है, एंड ऐसे करके मल्टीपल लिंकेज है। तो जिस तरह हमने IDT में सारे सेक्शन को एक एक करके कॉन्सेप्चुअली समझे और बिल्डअप करते चले गए हम अपना बेस, उसी तरह ही हम इनकम टैक्स और DT में भी अपना बेस को धीरे 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 करके बिल्डअप करते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बस जैसा जैसा मैं बोलूंगा एकदम वैसा वैसा करना, और जो जो सेक्शन में बोलूंगा बस उसी तरह उसी पर ज्यादा फोकस करके और उसी को अपने लर्न करते आगे चलते चले जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाओगे, डोंट वरी, तो प्रॉपर प्रिपरेशन अपना हो जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, चलो शुरू करते हैं हम DT के फर्स्ट क्लास के साथ। एक्साइटेड हो? यस सर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सब मेरे साथ बोलो जय श्री राम। चलो शुरू करते हैं, आज है अपना पहला क्लास और आज अपने करने वाले हैं कैपिटल गेन। ओ माय गॉड सर, पहला ही क्लास कैपिटल गेन, हमको तो लगा सर आप बेसिक करवाएंगे, ये बेसिक वाली क्लास नहीं है, अभी तुमको समझ में आएगा जब ये क्लास स्टार्ट होगी तब तुमको समझेगा। सर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है कैपिटल गेन का, सर कैपिटल गेन छोड़िए, हमें तो इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं है तभी तो क्लास लिया, नॉलेज होता तो क्लास थोड़ी लेते हैं। तो अपने इसमें सब कुछ सीखेंगे, आज आपका पहला क्लास और आज आप ये क्लास ओवर होने से पहले कैपिटल गेन का बहुत अच्छा सा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे कैपिटल गेन के साथ। सर हमारे पास बुक नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों सर अभी पता चल जाएगा, तो चलो शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, अपने क्या पढ़ने वाले, अपने पढ़ने वाले फाइनेंस एक्ट 2023।
जनरली इनकम टैक्स में जो भी अमेंडमेंट आएगा, जो भी चेंजेस आते हैं, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस कैसे आते हैं? फाइनेंस एक्ट के थ्रू चेंजेस आते हैं, सबसे पहले आता है बजट। बजट में वो अनाउंस करते हैं जो भी चेंजेस वगैरह, फिर वो जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। जब वो एक्ट बन जाता है तो फाइनेंस एक्ट 2023 व्हाट वी हैव टू स्टडी फॉर आवर सिलेबस। इस बार नवंबर और दिसंबर में अपने लिए जो एक्ट है, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2023, और ये अपने को बोलता है कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर है दैट विल बी 2023 एंड 2024, और जो अपना असेसमेंट ईयर है दैट इज 2024 एंड 2025। अब सर ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो फाइनेंशियल ईयर मतलब 1/4/2023 to 31/3/2024, ये है अपना फाइनेंशियल ईयर। यानी अब तुम आज की डेट में 7 जुलाई 2024 में नहीं खड़े होगे, याद रखना। तुम आज की डेट में जब भी अपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी अपने कोई प्रोविजन पढ़ेंगे, तो अपने इस डेट के अंदर खड़े होंगे। कहां? 1/4/2023 से लेके 31/3/2024, अपना पूरा जो भी क्राइटेरिया होगा वो इसी डेट के अंदर होगा। अब गवर्नमेंट बोलती है कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31/3/2024 तक तुमने जितनी भी इनकम अर्न करी है तुम अर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पैसे छापो, जितना छाप सकते हो उतना छापो। छापने के बाद नेक्स्ट ईयर, अब 23-24 इज द फाइनेंशियल ईयर, उसका नेक्स्ट ईयर होता है 24-25, यानी असेसमेंट ईयर। अब इस 24-25 में तुम्हारा असेसमेंट होगा, जो बेसिकली तुम यहां करोगे सेल्फ असेसमेंट। तुम खुद से अपनी इनकम बताओगे, खुद से उस पर टैक्स रेट कैलकुलेट करोगे, एंड टैक्स निकाल के टैक्स का पेमेंट कर दोगे। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फाइनेंशियल ईयर में हम पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में हम उसका टैक्स का पैसा पे करते हैं। ये आधा सच है, पूरा सच हम लोग टीडीएस और एडवांस टैक्स में समझेंगे, बट अभी के लिए अपना सच क्या है? फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाना है, असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स का पैसा देना है। अपने लिए फाइनेंशियल ईयर क्या, एग्जाम के लिए 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024, दैट इज 23-24, एंड हमारा असेसमेंट ईयर एग्जाम के लिए क्या है 24-25, 24-25, ठीक। पहली बात तो ये याद रखना। तो फाइनेंशियल ईयर में इनकम हम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स और असेस की जाती है। असेस मतलब चेक की जाती है, अभी के लिए बस इतना समझो कि सही इनकम बताया है कि नहीं, सही से टैक्स का पेमेंट किया है कि नहीं, तो ये सारी चीजें अपने असेसमेंट ईयर में चेक करते हैं, क्योंकि जब तक साल खत्म नहीं होगा तब तक टैक्स का पैसा पेमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसीलिए। फिर वही सिंपल सा, तो सेंटर जो लॉ बनाता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, स्टेट लॉ बनता है स्टेट असेंबली में, पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो आता है लिस्ट वन में, स्टेट असेंबली जो बनाती है वो आती है लिस्ट टू में, दोनों मिलकर जो लॉ बनाते हैं वो आता है लिस्ट थ्री में। बट लिस्ट थ्री का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कौन प्रिवेल करता है? सेंट्रल प्रिवेल करता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी, इसमें कुछ भी यूनिक नहीं, हमने आईडीटी में ऑलरेडी कर रखा है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, और इतना नॉलेज लेट्स सी कितना है आपके पास। इनकम टैक्स कौन से लिस्ट में होगा, लिस्ट वन, लिस्ट टू या लिस्ट थ्री? तुम्हारे हिसाब लिस्ट वन, लिस्ट वन, वेरी गुड। क्यों लिस्ट वन में होगा? बिकॉज इनकम टैक्स का जो भी पैसा होता है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंटर का पैसा है वो, सेंटर उससे फिर अपना जो भी काम है वो करते हैं। सेंटर के पास जाता है मतलब लॉ किसने बनाया था? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बना मतलब लिस्ट वन का लॉ है वो, यानी वो किस में एग्जिस्ट करता है? लिस्ट वन में एग्जिस्ट करता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है, इनकम टैक्स लिस्ट वन में, एंट्री नंबर है उसका 82, एंड पार्लियामेंट में ये लॉ बना हुआ है, इनकम टैक्स लिस्ट वन में एंट्री नंबर 82, पार्लियामेंट। ये बेसिक पॉइंट है, कभी कभी सीएमए में पूछ लेते हैं बेसिक पॉइंट, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि एंट्री नंबर कितना है, एंट्री नंबर इज 82। बाकी इसका और कुछ खास रेलेवेंस नहीं है, अपने कॉन्सेप्चुअली इसका कोई रेलेवेंस नहीं, बस अपने लिए इतना ही जरूरी है। अपने क्या क्या पढ़ने वाले, तो अपने यहां पे पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट अपने लिए कौन सा है 2023,
सर्कुलर पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जजमेंट्स पढ़ेंगे, जजमेंट मतलब केस लॉस पढ़ेंगे। अगर अपने ये चारों तरफ से जब प्रिपरेशन करेंगे तब अपने बोलेंगे कि हाँ अपना एक प्रॉपर प्रिपरेशन हो गया। अब 1961 लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने वो पुराना वाला एक्ट पढ़ रहे। एक्ट एकदम अपडेट होता है, हर साल अपडेट होता है, तो हर साल अपना ये एक्ट अपडेट होते 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 आज इतना बड़ा एक्ट अपने पास आ गया। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट 2023 अभी के लिए इस एग्जाम के लिए अपने लिए, सर्कुलर, नोटिफिकेशन एंड जजमेंट। तो अपने ये ओवरऑल प्रिपरेशन करेंगे जब अपने ये चारों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे क्या होगा उसके एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। डीटी के लिए स्पेशली मैं तुम लोग को बोलूंगा कैमरा जरूर ऑन करना, बिकॉज डीटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट जिसमें आप इधर उधर खो सकते हो। अगर आप इधर उधर ना खो तो सामने कैमरा ऑन करके स्ट्रेट एकदम बैठो, स्क्रीन को आप फुल स्क्रीन कर सकते हो डबल क्लिक करके, और थ्री डॉट पे क्लिक करके आप चेंज लेआउट में जाके लेआउट को चेंज कर सकते हो साइड बार या स्पॉटलाइट में। तो वैसे आप करोगे तो आपको एक फुल स्क्रीन व्यू मिलेगा एंड आपको बाकी चीजें नहीं दिखाई देंगी, और डबल क्लिक करके आप उसको और फुल स्क्रीन पे कर सकते हो। ठीक है, डीटी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ एक चीज रिपीट करो कि इट इज सिंपल। क्या? इट इज सिंपल। सबसे पहला डर अपने अंदर होता है डीटी को लेके कि भैया नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज क्लियर कर देता हूं, डीटी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डीटी वास्ट है। हाँ, वास्ट है, बट इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तब क्या बोलोगे? इट इज सिंपल। जल्दी बोलो, क्या? इट इज सिंपल। बोलो भाई, इट इज सिंपल, इजी है, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम हौले हौले चलेंगे एंड एक एक चीज को बढ़िया से समझते चलेंगे। चलो शुरू करते हैं कैपिटल गेन के साथ। ये हूं मैं, मेरे पास एक बिल्डिंग थी और मेरे को इस बिल्डिंग को बेचना, तो मैं चला गया हनी पाजी के पास। हनी पाजी को मैंने बोला कि यार बिल्डिंग खरीदोगे? तो बोलता हाँ खरीद लेंगे, मेरे को बिल्डिंग की नीड है। तो उसने बोला चलो बिल्डिंग बेचते हैं। तो मैंने बोला हाँ चलो बिल्डिंग बेचते हैं। अब मैंने ये बिल्डिंग सेल कर दी 80 लाख रुपीज में। इस बिल्डिंग को मैंने खरीदा था 35 लाख में, 35 लाख मैंने बिल्डिंग को खरीदा था। अब नॉर्मल बात करते हैं अकाउंटिंग परस्पेक्टिव में। अकाउंटिंग परस्पेक्टिव में क्या हुआ, मैंने एक सेल मारा है, मैंने एक सेल मारा है, मैंने किया है सेल, एमटी ने किया है सेल, कितना का? 80 लाख का मैंने सेल किया। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, नॉर्मल इसमें कॉस्ट माइनस करते हैं, कॉस्ट माइनस किया हमने 35 लाख, तो यहाँ पे अपना आ गया 45। अब ये 45 लाख क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। अकाउंटिंग के टर्म्स में से बात करेंगे, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग क्लास 11 वाली। हम पीएल में क्या करते हैं, हम पीएल में इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। कैसे बुक करते हैं, हम यहाँ पे लेते 35 लाख और 80 लाख का हम सेल बताते एंड यहाँ पे अपने प्रॉफिट ले लेते हैं, प्रॉफिट आता 45 का, ये टैली होके खत्म हो जाता, कर ऐसे ही करते अपने। अब ये जो प्रॉफिट आया 45, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, कमाई होती है, क्या कमाई होती है ना, अर्निंग होती है प्रॉफिट, मतलब तो अपने को कमाई हुई है। अब ये जो अपने को 45 का कमाई हुआ है ना, जिसको हम लोग प्रॉफिट बोल रहे हैं, दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा बट यही है कैपिटल गेन, यही होता है कैपिटल गेन। आपके पास एक एसेट है, उसको आप बेच दो तो आपको जो भी कमाई हुई, जो भी गेन हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, वो बन जाता है कैपिटल गेन। अगर आपके पास कोई स्टॉक है आप उसको सेल करोगे तो आपको जो भी कमाई होगी वो बनती है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट यहां पे हम क्या सेल कर रहे हैं, यहां पे हम सेल कर रहे हैं अपना एक एसेट। क्या सेल कर रहे हैं? एसेट। तो जब भी आप कोई एसेट को सेल करोगे और उस पे आपको गेन होगा तो वो जाता है कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन। तो मेरे पास एक बिल्डिंग थी 80 लाख में मैंने बेच दी, 35 लाख में मैंने इसको खरीदा था, 80 लाख माइनस 35 लाख, 45 लाख का जो प्रॉफिट हुआ अपने को, दिस प्रॉफिट इज आवर कैपिटल। सिंपल, एकदम बेसिक नॉलेज, बेसिक लेवल।
जिनका पहला बार है वो ज्यादा फोकस कर करके सुनना, कहीं पे भी लगे कि नहीं थोड़ा ऊपर जा रहा है तो मेरे को बताना, ठीक है? तो बताओगे तभी पता चलेगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना यहाँ पे, वो है कि तुमको समझना पड़ेगा कि जो अपना कैपिटल गेन है वो कैसे आएगा। तो उसके लिए डील करता है सेक्शन नंबर 45, पहला सेक्शन जो अपने लर्न कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 45, 45, 45, 45 अपने को बोलता है। अगर कैपिटल गेन चाहिए ना तो पहली बात देखो होना क्या क्या चाहिए, और इसी ट्रांजैक्शन से समझते हैं। क्या सबसे पहली बात, मेरे पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए, बेचेंगे तभी आएगा कैपिटल गेन इस एग्जाम्पल में, तो अपने पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग को बेचेंगे, सेल करेंगे तो ही कैपिटल गेन आएगा, तो ही कैपिटल गेन आएगा। अब बिल्डिंग को कैपिटल गेन की भाषा में बोलते हैं कैपिटल एसेट, नॉट नॉर्मल एसेट, क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट। सेल एंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन को बोलते हैं ट्रांसफर, क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। एक सेक्शन और लिखते हैं, सेक्शन नंबर 47, ठीक है? सेक्शन नंबर 47 अपने को बताता है व्हाट इज नॉट ट्रांसफर। अभी सिर्फ लिख लो, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? तो 47 अपने को बताता है व्हाट इज नॉट ट्रांसफर। तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका हम करेंगे ट्रांसफर। यानी ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था? सेल किया था। कैपिटल एसेट अपनी क्या थी? बिल्डिंग थी। तो कैपिटल एसेट है, उसका हमने सेल किया है, तो अपने को क्या हुआ था? ऊपर प्रॉफिट हुआ था। तो अब इस चैप्टर में प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर में अपने इसको क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। गेन मतलब भी प्रॉफिट ही होता है। तो हो गया अपने को गेन। तो कैपिटल एसेट है, उसका हमने ट्रांसफर किया है, और अगर अपने को गेन हो जाता है और वो गेन नॉट एग्जेम्प्ट, यानी इनकम टैक्स में वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अब इस चैप्टर में एग्जेम्पशन सिर्फ दो सेक्शन में, सेक्शन 54 और सेक्शन 10 में। अगर वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं है तो जैसे अपने को ऊपर 45 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है उस पे अपने को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। कौन सा टैक्स का पेमेंट करेंगे? जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो चार कंडीशन अगर अपने ये समझ जाएंगे तो अपने को एक पूरा बेसिक आइडिया हो जाएगा, और बेसिक अपने को पता चल जाएगा कि कब कैपिटल गेन लगेगा। याद है आईडीटी में हमने सप्लाई पढ़ा था, उसमें भी वो तीन चीजें थी, जब वो सेटिस्फाई होता था तो ही अपने आगे प्रोसीड करते थे। सिमिलरली इस कैपिटल गेन में भी अगर ये चार चीजें हैं तो ही आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज अपने आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल में बिल्डिंग। दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, बट अपने को अभी सिर्फ ट्रांसफर आप ही के लिए, आज के लिए सिर्फ मानना है सेल। क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए। उस सेल पे गेन होना चाहिए और वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अब जो गेन हुआ है उस पे क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्लियर? इजी एकदम। अब अगर अपने बात करें कि कैपिटल एसेट में सर क्या क्या कवर होता है, क्या क्या कवर नहीं होता है, क्योंकि जब तक अपने को यही नहीं पता चलेगा कि कैपिटल एसेट में क्या कवर है क्या कवर नहीं है, तो अपना पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगा, और पहला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो कैपिटल एसेट में सर क्या क्या कवर होता है, तो हम कैपिटल एसेट की बात करते हैं। कैपिटल एसेट में हर प्रकार की प्रॉपर्टी कवर होती है। एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कवर्ड अंडर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टैंजेबल हो चाहे वो इनटैंजेबल हो, एंड वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि मान लो एग्जांपल के लिए सिक्योरिटीज, शेयर्स, क्या शेयर्स मूवेबल है? मूवेबल है। तो क्या वो कवर होंगे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में? कवर होंगे। क्या डिबेंचर कवर होगा? हाँ, डिबेंचर भी कवर होगा। क्या इमूवेबल यानी बिल्डिंग कवर होगी? हाँ, बिल्डिंग भी कवर होगी। टैंजेबल मतलब जिस चीज को अपने छू सकते हैं, लाइक गोल्ड वगैरह, क्या ये सब कवर होंगे? हाँ, ये भी कवर होते हैं। इनटैंजेबल मतलब गुडविल भी कवर होगा, हाँ गुडविल भी कवर होगा। ट्रेडमार्क कवर होगा, ट्रेडमार्क भी कवर होगा। जो भी इनटैंजेबल एसेट्स है वो भी कवर होते हैं। एंड वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, ओ
माय गॉड, बिजनेस से लेना देना ही नहीं है कैपिटल गेन में, याद रखना ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मेरे पास घर पे गोल्ड पड़ा हुआ है, माई गोल्ड इज मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मेरा गोल्ड है, बट अगर हम उसको बेचेंगे ना तो भी कैपिटल एसेट कहलाएगा। वो क्यों कहलाएगा? बिकॉज बिजनेस से लेना देना नहीं है। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हुई। प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि जैसे ही हम बोलते हैं कि वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, बट किसी किसी लोगों का कुछ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया? टूथब्रश हो गया, कंघी हो गया, या तुम्हारा मोबाइल फोन हो गया। अब अगर कोई बंदा ये सब बेचता है तो भी कैपिटल एसेट की वजह से उसमें कैपिटल गेन टैक्स लग जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस तो सही है, बट इसमें एक एक्सक्लूजन होगा, और एक्सक्लूजन है मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। अब इस मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें नहीं भी आएंगी, लाइक गोल्ड नहीं आएगा। तुम ऐसा नहीं बोल सकते गोल्ड इज माय पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन हो गया आपका, आपका कोम हो गया, हेयर ऑयल हो गया, कुछ भी जो भी आप पर्सनली यूज करते हो, उन सारी चीजों पे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कवर नहीं होती है, तो उसमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं आएगी। दूसरी, अगर कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करता है वो ऑलवेज कैपिटल एसेट बनेगा। इसके बारे में और आगे थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, और क्या क्या बनेगा? तो ये अपना डेफिनेशन है, ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। क्या? ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। यानी अगर अपने ये सारी चीजों को बेचेंगे तो कैपिटल एसेट लगेगा। हाँ, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ये कवर हो जाएगा, दैट इज इट विल बी अ कैपिटल एसेट। कौन कौन? ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। इसी के साथ साथ शादी में जो सोने के बर्तन मिले थे, दैट इज गोल्ड यूटेंसिल और सिल्वर कॉइन, ये भी कैपिटल एसेट होता है। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये एक्सटेंड हो रही है। क्यों एक्सटेंड हो रही है? केस लॉज में ये सारी चीजें आई थी, तो हमें उसको भी यहीं पे कवर कर ले रहे साथ साथ। तो केस लॉ एक हुआ था, उसमें पूछा गया था क्या गोल्ड यूटेंसिल भी कैपिटल एसेट बनेगा? गवर्नमेंट ने बोला हाँ वो भी बनेगा। क्या सिल्वर कॉइन बनेगा? हाँ सिल्वर कॉइन भी बनेगा। तो गोल्ड यूटेंसिल भी तुम्हारा कैपिटल एसेट है, सिल्वर कॉइन भी तुम्हारा कैपिटल एसेट है। अब ध्यान से सुनना, सोने के बर्तन कैपिटल एसेट होते हैं, लेकिन सिल्वर के बर्तन यानी सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होता है। गोल्ड यूटेंसिल कैपिटल एसेट होता है, सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होता, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द घर में आपको चांदी के बर्तन मिल जाएंगे। सोने के बर्तन बहुत रेयर ऑफ द घर में आपको मिलेगा, पर चांदी के बर्तन वेरी कॉमन, इजीली अवेलेबल होता है। इसलिए चांदी के बर्तन, दैट इज सिल्वर यूटेंसिल, को एक्सक्लूड कर दिया गया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, एंड गोल्ड यूटेंसिल अभी भी इंक्लूडेड है। बट गोल्ड बार, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, गोल्ड की जो बार होती है बड़ी सी, देखा होगा पुराने मूवी में, अटैची में लेके जाता है, उसके अंदर सोने के बिस्किट्स होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो गोल्ड बार, सिल्वर बार, सॉवरेन यूज्ड इन पूजा, ये सारी चीजें कैपिटल एसेट होती है। तो सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होता है, बट सिल्वर कॉइन और सिल्वर बार कैपिटल एसेट होता है। तो सिल्वर कॉइन एंड सिल्वर बार कैपिटल एसेट होते हैं। केस लॉ में हुआ था, केस लॉ में कोर्ट ने डिसाइड किया कि सिल्वर कॉइन को इंक्लूड कर लेंगे कैपिटल एसेट। इसी के साथ यूलिप भी कैपिटल एसेट होता है, बट यूलिप का एक सेपरेट चैप्टर है, जब वो पढ़ेंगे तब उसको वहां केटर करेंगे, बस अभी के लिए इतना समझो यूलिप इज अ कैपिटल एसेट। अब इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में दो चीजों को और एक्सक्लूड किया गया। एक बोला गया स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड करेंगे। अब स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या होता है? जो बैलेंस शीट में स्टॉक साइज में स्टॉक पड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है, सेपरेट चैप्टर है, पढ़ेंगे उसके बारे में अपने। तो स्टॉक इन ट्रेड जो होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है, क्योंकि अभी ऊपर ही समझाया था कि जब भी अपने स्टॉक बेचते तो क्या आता है, PGBP, तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा?
पीजीबीपी का, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट सिंस हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी सिक्योरिटी अगर एफआईआई होल्ड करता है तो वो कैपिटल एसेट होता है, तो कोई भी सिक्योरिटी अगर एफआईआई स्टॉक इन ट्रेड के रूप में होल्ड करता है तो वो ऑलवेज कैपिटल एसेट होगा, उस पर कभी भी पीजीबीपी नहीं लगेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास अगर कोई भी सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, डिबेंचर है, तो वो ऑलवेज कैपिटल एसेट होंगे, ठीक है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से, रीजन है, रीजन क्या है इसका, गवर्नमेंट चाहती है कि अपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में डाले, अगर अपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में डालते हैं उसको बेचते हैं तो उस सिनेरियो में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, तो मेजोरिटी ऑफ दी लोग क्या करेंगे, सोचेंगे इन्वेस्ट जब करना है तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, इसीलिए उसको एक्सक्लूड करके रखा हुआ। एंड इसी के साथ एक एक्सक्लूजन है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का, गांव की खेती की जमीन को एक्सक्लूड किया हुआ। एक बार क्विक रीडिंग माने, तो कैपिटल एसेट क्या होता है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल इमूवेबल, टैंजेबल इनटैंजेबल, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट इज इररिलेवेंट। मूवेबल में बट पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी इज एन एक्सक्लूजन, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब सिक्योरिटीज मतलब क्या हो गया, शेयर्स, डिबेंचर, ये सारी। अब इसमें क्या बोला गया कि अगर एक एफआईआई एज अ स्टॉक इन ट्रेड भी होल्ड करके रखेगा सिक्योरिटी तो भी वो कैपिटल एसेट ही होगा, ऑलवेज कैपिटल एसेट होगा। फिर ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, ये ऑलवेज कैपिटल एसेट होंगे। तो ज्वेलरी को क्या मैं कभी भी पर्सनल मूवेबल बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को नहीं बोल सकता हूँ, तो ये सारी चीजें ऑलवेज कैपिटल एसेट होंगे। गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर कॉइन ऑलवेज कैपिटल एसेट, बट सिल्वर यूटेंसिल कभी भी कैपिटल एसेट नहीं होता है। गोल्ड बार, सिल्वर बार एंड सोवरेन यूज्ड इन पूजा इज अ कैपिटल एसेट। तो सिल्वर की बात करें तो सिर्फ कॉइन और बार है कैपिटल एसेट, उसके अलावा कैपिटल एसेट यूटेंसिल नहीं बनता। अब ध्यान से सुनना, यहां क्या वर्ड यूज किया, ज्वेलरी। अब ज्वेलरी गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, किसी का भी होता है, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, किसी भी प्रकार का ज्वेलरी है वो ऑलवेज कैपिटल एसेट बनेगा। और फिर है यूलिप, अब इसमें एक्सक्लूड क्या है, अगर हम उसको एज एन स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके रखेंगे तो वो कैपिटल एसेट नहीं बनेगा, एक्सेप्ट एफआईआई, एफएफआई के लिए ऑलवेज उसकी सिक्योरिटी कैपिटल एसेट बनेगी। मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होता है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को कैपिटल एसेट नहीं रखा है, इनफैक्ट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है, उसमें भी टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि अपने डाले, जितना ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में डालेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। फिर सिल्वर यूटेंसिल हमने देख लिया, एंड जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट है वो है क्या है, रूरल एग्रीकल्चरल। एवरीबडी सबको समझ में आ रहा है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी तक, नहीं हो रहा ना, एकदम बने रहना, बेस है, बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो भाई कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, तो हमने गवर्नमेंट से पूछा, गवर्नमेंट जल्दी बताओ तो गांव की खेती की जमीन कौन सी होगी, हम लोग किसको बोलेंगे, व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। गवर्नमेंट ने बोला नहीं बताएंगे, हमने बोला अरे यार बताओ रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा, वो बोले हम नहीं बताएंगे, तो बोले अरे यार तुम फंसा रहे हो कैसे पता चलेगा, तो बोलते चलो एक काम करते हम तुमको रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं बताते, हम तुमको अर्बन बता देते, अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, ये क्या है, बोलता हम तुमको अर्बन का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो अगर कोई एरिया अर्बन की डेफिनेशन में फॉल करता है मतलब वो रूरल नहीं है, और अगर वो रूरल की और अर्बन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है तो मतलब वो रूरल है, तो यहाँ उल्टा सोचना है अपने को, ठीक है। लाइक इन्होंने बोला कोई भी एरिया जिसका पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, 10,000 और मोर है, उस एरिया को अपने बोलेंगे अर्बन एरिया। अर्बन एग्रीकल्चर नहीं बोल रहा, एग्रीकल्चर लैंड तो पता ही है खेती की जमीन,
वो तो उसका कोई डेफिनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने को पता है दैट इट इज एन एग्रीकल्चरल लैंड। अपने को मेन जानना है रूरल कौन सा एरिया होता है, अर्बन कौन सा एरिया होता है। रूरल की डेफिनेशन उन्होंने दी नहीं, उन्होंने अर्बन की डेफिनेशन दे दी। अब अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, कोई भी एरिया जिसमें पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, तो वो हो गया अर्बन एरिया। बट अब सिर्फ 10,000 पे नहीं रुकते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बिकॉज इंसान की फितरत क्या है, वो जिस एरिया में रहता है वो एरिया तो उसका होता ही है, वो बाहर वाले एरिया को भी अपना ही बना लेता है, तो ये इंसान की फितरत है, ये गवर्नमेंट को पहले ही पता था, तो उन्होंने इसका भी जोड़ तोड़ दे के रखा हुआ। उन्होंने बोला कोई भी एरिया जिसका पॉपुलेशन इज अप टू 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक, ठीक है, 10,000 से 1,00,000 रुपए तक, सॉरी रुपया बोला, 1,00,000 लोगों तक, 1,00,000 तक है, तो उस सिनेरियो में वो एरिया तो अर्बन है ही है, 10,000 से ज्यादा अप टू 1,00,000 तो एरिया वो अर्बन है ही है। उसके बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा, यानी अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन है अप टू 10,000, सिर्फ 10,000 लोग रहते हैं, तो बस इतना ही एरिया अर्बन कहलाएगा। बट अगर इस एरिया में 10,000 प्लस 100, यानी 10,000 से थोड़े से ज्यादा लोग हो गए बट अप टू 1,00,000 लोग हैं, तो उस सिनेरियो में वो एरिया तो अर्बन होगा ही होगा, उसके बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन 1,00,000 से ज्यादा है, अप टू 10,00,000 से, नॉट इक्वल टू, 1,00,000 से ज्यादा है, अप टू 10,00,000 लोग वहां रहते हैं, तो वो एरिया तो अर्बन है ही है, उसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा, तो उसके बाहर का 6 किलोमीटर के एरिया को भी अपने क्या बोलेंगे, अर्बन लैंड बोलेंगे। सिमिलरली अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन 10,00,000 से भी ज्यादा है, तो वो एरिया तो अर्बन है ही है, उसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया, 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। बाद में नोट डाउन कर लेना, एक साथ पहले कॉन्सेप्ट समझ लेता, ठीक है, अभी तो ये शेयर करूंगा। ये LMS, अच्छा ये LMS इसको बोलते हैं, और ये क्लास स्टूडेंट्स लोग को मिलता है, तो अगर आपने क्लास ली रखी होगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में LMS मिल जाएगा। अब अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, किसी एरिया का पॉपुलेशन 10,000, अर्बन 10,000 से 1,00,000, तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन, 1,00,000 से अप टू 10,00,000, बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन, एंड मोर देन 10,00,000, तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये रूरल लैंड कहलाएगा ये वाला एरिया? नहीं, नहीं कहलाएगा, अर्बन की डेफिनेशन पढ़ा ना, नहीं कहलाएगा। क्या ये रूरल लैंड है यहाँ पे अगर कुछ है तो? क्या यहाँ एज पे कुछ है तो वो रूरल लैंड है क्या? इसके बाहर का एरिया रूरल लैंड है क्या? यस, तो इसके बाहर का एरिया रूरल लैंड होगा, इसके अंदर का एरिया रूरल लैंड नहीं होगा, 8 किलोमीटर के दायरे में रूरल लैंड नहीं होगा, उसके बाहर अगर कोई लैंड है तो उसको अपने रूरल लैंड बोले। तो शहर का एरिया के लिए क्या देखना है, 10,000 की पॉपुलेशन देखने का, 10,000 की पॉपुलेशन है तो वो अर्बन एरिया हो जाएगा, 10,000 से 1,00,000 तक है तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन, 1,00,000 से 10,00,000 है तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन होगा, एंड 10,00,000 से ज्यादा तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। ये अपने को लर्न करना, बिकॉज इससे वो केस कुछ बना देंगे, अपने को पता होना चाहिए कि वो रूरल है कि अर्बन है, तो उसके लिए डेफिनेशन अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन के लिए 10,000 या मोर देखना है, अगर 10,000 से ज्यादा है अप टू 1,00,000 है तो वो एरिया अर्बन है, उसके बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो गया, 1,00,000 से 10,00,000 है तो वो एरिया तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो गया, एंड मोर देन 10,00,000 है तो उसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा। उसके अंदर अगर कोई भी लैंड है, कोई भी बिल्डिंग है, तो वो अर्बन एरिया की कहलाएगी, उसके बाहर अगर कुछ है तो ही वो रूरल एरिया कहलाएगा, और उसके बाहर अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। और अगर अपने इसके बाहर का रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हैं तो क्या वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा? द आंसर इज, अच्छा मैं कोई बात बताऊं, ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, इसको सेल करते क्या ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा क्या? यस, ये आएगा, क्योंकि ये अर्बन का है, और अर्बन को एग्जेम्पशन नहीं है, अर्बन को एग्जेम्प्ट नहीं किया, किसको किया है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को डेफिनेशन से एग्जेम्प्ट करके रखा है, याद रखना, ठीक है। ओके, तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि कैपिटल एसेट है
यहां से वापस देते हैं। अगर एक कैपिटल एसेट है उसको अपने ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का डेफिनेशन है 247 में, और क्या ट्रांसफर नहीं है यह है 47 में। तो 247 में डेफिनेशन है ट्रांसफर की, एंड क्या ट्रांसफर नहीं है यह सेक्शन नंबर 47 में। तो कैपिटल एसेट है उसका ट्रांसफर करेंगे यानी उसका सेल करेंगे, सेल पे गेन होगा, वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो अपने को कैपिटल गेन टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आ जाओ मेरे साथ दोस्तों फटाफट बोलते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, टैंजेबल, इनटैंजेबल, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस। अब मूवेबल में पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। सिक्योरिटी हेल्ड बाई एफ आई आई विल ऑलवेज बी अ कैपिटल एसेट, वेदर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और एज एन एसेट इज इरेलेवेंट। फिर ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन इज ऑलवेज कैपिटल एसेट। गोल्ड यूटेंसिल इज अ कैपिटल एसेट, सिल्वर यूटेंसिल इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सिल्वर कॉइन, गोल्ड बार, सिल्वर बार एंड सॉवरेन यूज्ड इन पूजा इज अ कैपिटल एसेट, एंड यूलिप इज ऑल्सो अ कैपिटल एसेट। अब एक्सक्लूड क्या है, अगर हम स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड करके रखते हैं एसेट को तो फिर वो यहां कवर नहीं होगा। वो कहां कवर होगा दोस्तों, पीजीबीपी में। वो पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम में जाएगा। टोटल 5 ऑफ हेड इनकम होते हैं, आगे पढ़ेंगे अपने धीरे धीरे। अब मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं होता कैपिटल एसेट, यानी उसके बेचने पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। इनफैक्ट उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है, यानी उसके इंटरेस्ट पे भी कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। फिर सिल्वर यूटेंसिल देख लिया, और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, उन्होंने रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का डेफिनेशन नहीं दिया, उन्होंने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का भी डेफिनेशन नहीं दिया, उन्होंने अर्बन एरिया का डेफिनेशन दिया। अर्बन एरिया क्या होता है, 10,000 से ज्यादा का पॉपुलेशन है तो अर्बन एरिया। अगर 10,000 से लेके 1,00,000 तक का है तो वो एरिया तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। अगर 1,00,000 से ज्यादा है अप टू 10,00,000 तो वो एरिया तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। और अगर 10,00,000 से ज्यादा है तो वो एरिया तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। यानी जो भी लैंड इस एरिया के बाहर होगी वही रूरल लैंड होगी, इसके अंदर जो भी होगा वो अर्बन लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कोई भी एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को एग्जेम्पशन अवेलेबल होता है। ठीक है सर, ये चीज अपने को समझ में आ गई। कैमरा हैंग हो गया क्या, एक सेकेंड। ओहो एक मिनट दोस्तों, एक सेकेंड। अटक गया सर, हाँ अटक तो गया। ओके ओके, देखो अभी विजिबल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही, नहीं अटक रहा। तो ये चीज हमने देखी। ओके, तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए यानी सेल होना चाहिए, उस सेल पे गेन होना चाहिए, वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए तो अपने को कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। कैपिटल एसेट क्या होता है, किसी भी प्रकार का मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल, वेदर कनेक्टेड टू और नॉट बिजनेस वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफएफआई विल ऑलवेज बी अ कैपिटल एसेट, चाहे तुम उसको किसी भी फॉर्म में होल्ड करो। फिर ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर एंड वर्क ऑफ आर्ट इज अ कैपिटल एसेट। गोल्ड यूटेंसिल इज अ कैपिटल एसेट, सिल्वर यूटेंसिल इज नॉट अ कैपिटल एसेट।
सिल्वर कॉइन, सिल्वर बार, गोल्ड बार, सोवरेन यूज इन पूजा इज अ कैपिटल एसेट, जूलिप इज अ कैपिटल एसेट। एक्सक्लूड क्या किया गया, स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड करेंगे तो यहाँ नहीं, पीजीबीपी में आएगा। गोल्ड डिपॉजिट वन कैपिटल एसेट नहीं होता, इनफैक्ट उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है, सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल एसेट नहीं होता। रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं बताएंगे, अर्बन बता देते हैं। 10,000 तक की पॉपुलेशन अर्बन, 10 से 1 लाख वो तो अर्बन है, बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन। 1 लाख से 10 लाख वो अर्बन है, उसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन। मोर देन 10 लाख वो एरिया तो अर्बन है, उसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाता है। चलो ये पॉइंट मेरे को समझ में आ गया। अब जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो किस प्रकार लगता है, तो अपने पास आ गया कैपिटल गेन टैक्स, चार्ट पे वापस, कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इस पे 2 सेक्शन डील करता है, 112 एंड 112A, 112 एंड 112A। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 2 सेक्शन डील करता है, 111A एंड नॉट 111 बट नॉर्मल टैक्स रेट। समझेंगे इसके बारे में सेकेंड या थर्ड क्लास में, अभी बस समझो। कैपिटल गेन टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। नाम में लिखा है लॉन्ग मतलब लंबे पीरियड तक जो होल्ड करके रखे थे, शॉर्ट मतलब जिसको शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करके रखे थे। लॉन्ग टर्म के लिए 2 सेक्शन वर्क करते हैं, 112 एंड 112A, शॉर्ट टर्म के लिए 2 सेक्शन वर्क करते हैं, 111A एंड नॉर्मल टैक्स रेट। समझेंगे इसके बारे में। बट अगर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म गेन है ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक तोड़ निकाला, वो तोड़ का नाम है POH। सर POH मतलब, POH मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग। तुमने कितने समय तक, ध्यान से देखो, कितने समय तक होल्ड करके रखा था अपने हाथों में उस एसेट को, रखा था कितने पीरियड के लिए, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। यानी अगर लॉन्ग टर्म एसेट बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पे, जो कि अगर लॉन्ग टर्म होगा तो यहां पे टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म होगा तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो टैक्स रेट ही जब चेंज हो जाएगा तो उसके लिए लॉन्ग या शॉर्ट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अपने को देखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग। 3 प्रकार के एसेट बताए गए, फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट, अदर एसेट। फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट और बाकी जो एसेट बचे अदर एसेट, वो सारे। फाइनेंशियल एसेट में 4 चीजें कवर है, क्या क्या, लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, 0 कूपन बॉन्ड एंड यूटीआई यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी यूनिट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल एसेट में 4 चीजें, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ZCB एंड UTI। इनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बोला गया कि अगर मोर देन 12 मंथ है, यानी 12 महीना से ज्यादा होल्ड किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा ये, यानी इनके बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और 12 मंथ और लेस है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगा और इनके बेचने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या कवर है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ZCB एंड UTI। इनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग है 12 मंथ से ज्यादा, अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म बनेगा। एग्जैक्ट 12 है तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा होगा तभी लॉन्ग टर्म बनेगा। क्लियर? यस क्लियर। नेक्स्ट, स्पेशल एसेट में 2 एसेट बताए गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स। इनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गई 24 मंथ्स, 2 साल, 24 मंथ्स। अगर 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखोगे तो लॉन्ग टर्म, 24 या उससे कम करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेगा। इसके अलावा जितने भी एसेट और बचे वो सारे के सारे, लाइक ज्वेलरी, स्कल्पचर, सिल्वर क्वाइन, जो इस सारे जितने भी और एसेट बचे, इनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग है 36 मंथ्स। 36 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, 36 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा।
अब ये जो मंथ का कैलकुलेशन होगा वो डेट टू डेट कैलकुलेट होगा, ठीक है, एक डेट से लेकर दूसरे डेट तक मंथ मंथ कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे ऐसे नहीं करना जनवरी में लिया तो पूरा जनवरी, फरवरी में लिया तो पूरा फरवरी, वैसे नहीं, डेट टू डेट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे मंथ वाइज फुलफिल होता है कि नहीं होता है कंडीशन, समझेंगे आगे आगे। अभी पहले मेन देख लेते हैं, लर्न करते हैं। फाइनेंशियल एसेट में क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ZCB, UDI, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स, 12 से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 12 या उससे कम तो शॉर्ट टर्म। स्पेशल एसेट में सिर्फ दो ही कवर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स। 24 से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 24 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इसके अलावा जितने भी एसेट बचे उनके लिए अपने को लेना है 36 मंथ्स, 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 36 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। फोकस किस पे करना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने दिन होल्ड करके रखा। तो ये होल्डिंग पीरियड कब से कब तक कैलकुलेट करना है, तो जिस दिन वो एसेट तुम्हारे हाथ में आया उस दिन से लेके जिस दिन तुमने बेचा उसके ठीक एक दिन पहले, उसके ठीक एक दिन पहले तक। तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाइजेशन ऑफ एसेट टिल इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस दिन बेचा उसके ठीक एक दिन पहले तक कैलकुलेट करेंगे। अगर अपना फाइनेंशियल एसेट है तो 12 महीना से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, 12 या उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म। स्पेशल एसेट है यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर है तो 24 मंथ से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, 24 या उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म। बाकी सारे एसेट्स के लिए 36 से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म और 36 या उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। चलो उसके बाद रीड कर लो फटाफट, बुक में है ये पॉइंट। चलिए चल देखते हैं आप लोगों को कितना समझा। आते सबसे पहला एमटी एग्जांपल अपने डीटी का, शेयर्स है एक एमटी लिमिटेड का, एमटी प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। मंथ्स बताने, सिर्फ 24 देखना है, 12 देखना है या 36 देखना है, बस यही बताना। चलो सबसे पहले एमटी लिमिटेड था, एक एक एमटी लिमिटेड के लिए, तो एमटी लिमिटेड का शेयर मतलब क्या हो गया, लिस्टेड सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए हम क्या करते हैं, 12 मंथ्स देखते हैं। एमटी प्राइवेट लिमिटेड का बताओ, तो एमटी प्राइवेट लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड शेयर्स एंड अनलिस्टेड शेयर इज अ स्पेशल एसेट एंड स्पेशल एसेट के लिए हम देखते हैं 24 मंथ्स। तो लिस्टेड वाले शेयर था तो 12 मंथ्स ले लिया, अनलिस्टेड वाला शेयर था तो 24 मंथ्स हमने ले लिया, ठीक। डिबेंचर की बात करते, एमटी लिमिटेड का डिबेंचर है तो कितना मंथ्स देखना पड़ेगा अपने को, 12 मंथ्स। क्यों, रीजन बीइंग लिस्टेड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है मतलब एमटी लिमिटेड है तो मान लेते लिस्टेड है, अपना लिस्टेड चल रहा है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। एमटी प्राइवेट लिमिटेड का बताओ दोस्तों, एमटी प्राइवेट लिमिटेड के लिए कितना लेना है अपने को, 24 मंथ्स लेना है, राइट? नहीं, वेरी गुड, 24 मंथ्स नहीं लेना है अपने को, लेना है 36 मंथ्स। ओ माय गॉड सर, 36 मंथ्स कैसे आया यहाँ पे, तो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, अनलिस्टेड शेयर्स। अगर अनलिस्टेड शेयर्स है तो अपने को लेना है, तब अपने को इसको लेना है 24 मंथ्स, बट वहां किसकी बात हो रही थी, वहां बात हो रही थी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की, एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटी कहां कवर होगा, अदर एसेट की डेफिनेशन में, क्योंकि देखो यहां पे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है क्या, नहीं है, यहां पे अनलिस्टेड सिक्योरिटी है क्या, नहीं है, तो कहां चला गया वो, अदर एसेट के। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी कि डिबेंचर के लिए 36 मंथ्स लेना है, 24 नहीं, बिकॉज यहाँ पे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं बोला है, क्या बोला है, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स।
शेयर्स। अब वो प्रेफरेंस भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, डेट इज इरेलीवेंट, शेयर्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सर इससे तो मजा ही आ गया, दिमाग खुल गया पूरा, और दिमाग खुल गया, और इसी के साथ पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अपना कंप्लीट। आओ इसको पूरा लिंक में लेते हैं, ठीक है। एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर क्या होता है, 247 में लिखा है कि ट्रांसफर क्या होता है, अभी के लिए क्या मानेंगे, सेल। सेल होना चाहिए, उस पे गेन होना चाहिए, वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कैपिटल एसेट क्या होता है, प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार का, मूवेबल इमूवेबल, टैंजेबल इनटैंजेबल, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट। इसमें पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड कर देंगे। सिक्योरिटीज बाय FFI इंक्लूड होगा ऑलवेज, चाहे तुम उसको कैसे भी होल्ड करो। फिर है ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। फिर है गोल्ड यूटेंसिल एंड सिल्वर कॉइन, यहाँ पे सिल्वर यूटेंसिल कवर नहीं होगा। फिर गोल्ड बार, सिल्वर बार, सोवरेन यूज्ड इन पूजा एंड जूले, और क्या कवर नहीं होगा, स्टॉक इन ट्रेड कवर नहीं होगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कवर नहीं होगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कवर नहीं होगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है नहीं बताया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है ये भी नहीं बताया, सिर्फ अर्बन एरिया बताया। अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, 10,000 से 1,00,000 तक का पॉपुलेशन है तो वो एरिया तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन है। 1,00,000 से 10,00,000 का पॉपुलेशन है तो वो एरिया तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन है। एंड 10,00,000 से ज्यादा है तो वो एरिया तो अर्बन है ही, उसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा, यानी उस एरिया के बाहर का जो जगह है उसी को ही सिर्फ रूरल बोलेंगे अपने, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हटा देते हैं, ये गलत था, ठीक, ये हमको समझ में आ गया। फिर अपने को पता चला कि गेन टैक्स लगेगा, तो या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना कि कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म एसेट था कि शॉर्ट टर्म एसेट था। तो फाइनेंशियल एसेट के लिए अपने को देखना है लिस्टेड सिक्योरिटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ZCB एंड UTI। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होना चाहिए, 12 मंथ्स। 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 12 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। स्पेशल एसेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स, नॉट सिक्योरिटीज। 24 मंथ्स लॉन्ग टर्म, 24 मंथ से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 24 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। अदर एसेट, इसके अलावा जितने एसेट बचे लाइक डिबेंचर, ज्वेलरी वगैरह जितने भी बचे, सबके लिए अपने को लेना 36 मंथ्स। 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 36 या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेना है, जिस दिन अक्वायर किया था उस दिन से लेके ठीक एक दिन पहले तक अपने को देखना। ओके, अब देखो पूरा का पूरा जो अपना कैपिटल गेन है ना, वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन समाया हुआ है इस वाले फॉर्मेट में। इसका सेक्शन नंबर है 40, चार्जिंग सेक्शन है 45 एंड कंप्यूटेशन का सेक्शन है 48। अब जितना भी कैपिटल गेन है इस दुनिया में, तुम कोई सा भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन उठा लो, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, इसी फॉर्मेट में वो पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमको लेना है सेल कंसिडरेशन। क्या लेंगे, सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन मतलब जितना मैं बेचा, जैसे अपने वाले ऊपर वाले एग्जांपल में हमने बिल्डिंग को बेचा था, तो अपने कितने में बेचे थे, 80 में बेचे थे अपने बिल्डिंग को, 80 लाख में। तो अपने लिए सेल कंसिडरेशन क्या हो गया, 80 लाख। देते ब्रेक देते 80 लाख। अब इसमें से अपने को क्या माइनस करना है, एक्सपेंसेस माइनस करने, यानी सेल के टाइम में जितना भी एक्सपेंस हुआ वो माइनस करेंगे। तो सेल कंसिडरेशन में एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन। अब ऊपर हमने क्या किया था, बिल्डिंग की कॉस्ट माइनस करी थी, सेम चीज यहां पे भी करनी है। लेस कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन, यानी उस बिल्डिंग को जो हमने एक्वायर करने पे जो कॉस्ट खर्चा था वो कॉस्ट अपने को माइनस करना है। तो लेस किया हमने कॉस्ट ऑफ एक्वायरेशन, फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसको समझेंगे, अभी बस इतना समझो कि बिल्डिंग को इंप्रूव किया, अगर मान लो एक तल्ले की बिल्डिंग थी, दो तल्ले की बना दी, सेकंड फ्लोर बांध दिया, तो हमने सेकंड फ्लोर बिल्ड किया तो वो सेकंड फ्लोर बिल्ड करने पे जो कॉस्ट लगा वो भी माइनस कर सकते हैं। कैसे, क्या होता है, धीरे धीरे समझे। फिर आएगा अपने पास कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन में हो सकता है पूरा एग्जेम्प्ट हो सकता है पार्शियली एग्जेम्प्ट हो सकता है, कुछ चीजें एग्जेम्प्ट हो, तो जितना भी एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10 या 54 वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद वी विल बी गेटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो क्या सिंपल है, सेल कंसिडरेशन, जिसको आपसे क्या बोलेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे आपसे सेल कंसिडरेशन को, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में माइनस करेंगे एक्सपेंस तो अपने को मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट
फिर अपने को मिलेगा कैपिटल गेन। इस कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन 1054 में जितना मिलता होगा वो माइनस करेंगे, देन वी विल गेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सिमिलरली अपने लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस करेंगे एक्सपेंस, तो अपने को मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन। एंड अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है ना, तो अपने को उसको इंडेक्स करना पड़ता है। समझेंगे कैसे करते हैं, बस अभी समझो, उसको इंडेक्स करना पड़ता है। तो अपने माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो अपने को मिलेगा कैपिटल गेन। इसमें अपने माइनस करेंगे सेक्शन 10 या 54 का एग्जेम्पशन, तो अपने को मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर इंडेक्सेशन मतलब क्या होता है, जब कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अभी पढ़ेंगे तो उसके बाद वाला समझाऊंगा क्या होता है। जनरली ये होता है कि आज से 20 साल पहले जो एसेट तुमने खरीदा था उसकी कॉस्ट आज की डेट में सेम थोड़ी ना होगी, तो उसको मैचअप करने के लिए अपने उसको इंडेक्स करते हैं। धीरे धीरे समझेंगे, फॉर्मूला भी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, अभी हड़बड़ाओ मत, अभी सिर्फ मेन चीज पे फोकस करो। तो सर अगर कोई भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मेट लिख के सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, 110% सॉल्व हो जाएगा। सर क्या ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या अगर कि अपने को कैपिटल गेन चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है तो इस फॉर्मूला का हर एक चीज अगर समझ लेंगे तो अपना कैपिटल गेन चैप्टर खत्म हो जाएगा? द आंसर इज यस। अगर इस फॉर्मूले का हर एक बारीक पॉइंट अपने समझ लेंगे तो ये पूरा कैपिटल गेन चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें एक्सपेंस माइनस करेंगे, आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करें, इससे आएगा कैपिटल गेन। इसमें हम एग्जेम्पशन देंगे 10 या 54 का एज द केस में भी, फिर अपने को मिल जाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर अपने को होता है तो दो सेक्शन वर्क करेगा टैक्स के लिए, 112 एंड 112A, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो एक सेक्शन वर्क करेगा 111A एंड दूसरा होगा नॉर्मल टैक्स रेट। ओके, समझा सर, ये चीजें अपने को समझ में आ गई है। अभी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पहले देखते फिर एक ब्रेक लेंगे अपने, ठीक है? पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझते फिर एक ब्रेक लेंगे। पानी पी लो, पानी का ब्रेक देगा, पानी पी लो, पी लो, पी लो, पी लो पानी। अभी तक मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ठीक, कहीं पे भी फास्ट होगा या कुछ भी होगा तो मेरे को बताना, वैसे होगा नहीं फास्ट, डोंट वरी, सब कुछ समझेगा, स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स तुम लोग बताना। चलिए अब सबसे पहला हम सेक्शन नंबर 48 का जो फॉर्मेट है उसमें जो है सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिसको आपसे बोलेंगे, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे तीन सेक्शन है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, 50C, 50CA, 50D। सेक्शन नंबर लर्न करते चलना अपने को, ठीक है, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। 50C, 50CA, 50D। अब सेल कंसिडरेशन अपने को क्या लेना है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जनरली जो अपने को लेना है वो लेना है जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ वही तुम्हारा सेल कंसिडरेशन, बेचने पे जितना रोकड़ा मिला वही रोकड़ा तुम्हारा सेल कंसिडरेशन बन जाएगा। बट अगर तुमने एक अनकोटेड शेयर बेचा है, यानी अनलिस्टेड शेयर बेचा है, आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दो, तो अनलिस्टेड शेयर के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखना है, 12 देखना, 24 देखना, 36 कितना देखना है? वेरी गुड दोस्तों, 24 देखना है। एवरीबॉडी, सब कोई पार्टिसिपेट करो, सब बोलना तो ज्यादा फोकस रहेगा, 24। तो 50CA, CA मतलब हम लोग CA लर्न करने का तरीका है, 50CA। तो 50CA अनकोटेड शेयर्स के लिए क्या बोलता है, जनरली क्या लेते हैं अपने, एक्चुअल सेलिंग प्राइस लेते हैं, बट इस वाले केस में बोला गया या तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर या एक्चुअल सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर। अब रीजन समझो, लर्न नहीं करना पड़ेगा, रीजन अगर समझ जाओ। अनकोटेड शेयर मतलब अनलिस्टेड शेयर, यानी प्राइवेट कंपनी के शेयर की बात हो रही है। क्या प्राइवेट कंपनी की शेयर को मॉनिटर करना इजी है? द आंसर इज नो, उसको मॉनिटर करना बिल्कुल इजी नहीं। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर बेचेगा तो वो क्या कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट की नजर में सेलिंग प्राइस जितना कम
कैपिटल गेन उतना कम, जितना कम कैपिटल गेन उतना कम कैपिटल गेन टैक्स। तो वो कोशिश क्या करेगा कि सेलिंग प्राइस को कम दिखाने का कोशिश करेगा, और बाकी पैसा वो कैश में दे देगा, ब्लैक में पैसा दे देगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए जो शेयर का एक्चुअल मार्केट में कीमत है 100 रुपए, वो क्या करेगा, सिर्फ 30 रुपीज सेलिंग प्राइस दिखाएगा जिसको बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करेगा, रिमेनिंग वो 70 रुपीज कैश में निपटा देगा, गवर्नमेंट को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को लगेगा 30 रुपया सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट मान लो 20 रुपए, तो सिर्फ वो 10 रुपए पे टैक्स लेके चली जाएगी। बट एक्चुअल कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, एक्चुअल तो 100 होना चाहिए बिकॉज मार्केट में उसका कीमत 100 है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पे बहुत लफड़ा होता है, बहुत लफड़ा के बचने के लिए एक सिंपल सा काम करते हैं, विच एवर इज हायर ले लेते हैं, या तो सेलिंग प्राइस या तो फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। अब जैसे ही ये प्रोविजन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट अपना 20 था, देखो टैक्स अब किस पे लगेगा, 80 रुपीज पे टैक्स लगेगा। यानी जेन्युइन जो टैक्स अमाउंट आना चाहिए, जिस फिगर पे टैक्स अमाउंट आना चाहिए, वो जेन्युइन अमाउंट हमारे पास आ गया। तो 50C बात करता है अनकोटेड या अनलिस्टेड शेयर्स की, शेयर्स की सिर्फ बात कर रहा है, ठीक है। क्या बोलता है, या तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लो या तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस ले लो, विच एवर इज हायर लेना, क्यों, ताकि गफला ना हो सके, कोई इधर उधर चीजों को कम सेलिंग प्राइस ना दिखा सके, क्योंकि जितना कम सेलिंग प्राइस उतना कम टैक्स, उतना कम टैक्स उतना ज्यादा लॉस गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट अपना लॉस क्यों सहेगा। तो सिंपल से बोला, या तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर। अब इसको समझने के लिए तुम शार्क टैंक का एग्जाम्पल ले सकते हो। शार्क टैंक में जो कंपनी आती है वो प्राइवेट होती है। अब प्राइवेट कंपनी के जब वो शेयर का लेवा देवी करते हैं, जब भी वो बेचेंगे ना, तो वो बेचेंगे तो उनको इस वाले सेंस में बेचना पड़ेगा, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। वो लेंगे या तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर। जो एडहॉक वो जो भी अपना करते हैं वैल्यूएशन, उस पे नहीं जाता है, इनकम टैक्स के पर्पस के लिए या तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्चुअरियल वगैरह लोग आके वैल्यू करते हैं, तो वो बड़ा प्रोसेस है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। तो वहां से वो फेयर मार्केट वैल्यू निकल जाता है। तो 50CA टॉक्स अबाउट अनकोटेड शेयर्स। जनरली क्या लेते हैं, जनरली हम लेते हैं अमाउंट रिसीव, बट अगर अनकोटेड शेयर है तो अमाउंट रिसीव तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर है, वो अपने को कंसिडर करना है। अब बात करते हैं 50C की। तो हमने देखा 50CA, अब हम जा रहे हैं 50C की तरफ। 50C इज फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। 50C किसके लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। यहां पे अपने को SDV देखना है। अब SDV आज से एंड तक बहुत बार आएगा। SDV मतलब होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में तुमको SDV देखना है। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर SDV इज लेस देन 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी जितना एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसका 110% करेंगे, अगर उससे कम है SDV तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे। या SDV इक्वल टू 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपने ले लेंगे। बट इफ SDV यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तब अपने को जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है वो SDV लेना है। तो जब भी SDV मोर देन 110% 110% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा, तो SDV ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। तुम्हारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, फिर वो इरेलीवेंट हो जाएगा, SDV ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा एंड उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। अब ध्यान से देखो, SDV मोर देन 110 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी इन ऑल द सिनेरियो SDV एक्चुअल सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मतलब ज्यादा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ज्यादा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब ज्यादा टैक्स, बट ये ज्यादा नहीं है, इसको बोलते हैं जेन्युइन। सेम चीज जो अनकोटेड शेयर में हम करते थे, वो हम लैंड एंड बिल्डिंग में भी करते हैं। हम क्या करते हैं, अकाउंट से पैसा देते पर कुछ पैसा कैश में दे देते हैं ताकि गवर्नमेंट को पता ना चले। तो इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोला SDV ले लेंगे हम। तुम एक्चुअल सेलिंग प्राइस अगर कम दोगे और वो 110% से ज्यादा SDV आ जाता है, तो SDV कंसिडर कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, तुम दो क्या ब्लैक में पैसा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम SDV ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा,
कि मान लो अगर एक लैंड है, अब ये लैंड की असली कीमत है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, एसडीवी जो है इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 100 करोड़ है। अब मेरे को कुछ पैसे 100 करोड़ नहीं देने, 100 करोड़ अगर दे दूंगा तो फिर कैपिटल गेन मेरे को 100 करोड़ पे लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 करोड़ पे ट्रांजेक्शन कर लूंगा और रिमेनिंग जो 80 करोड़ है वो मैं किस में दे दूंगा, कैश में दे दूंगा। गवर्नमेंट को कानो कान कुछ खबर नहीं होगी, गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा। एज अ सेलर मेरे पास कितना सेलिंग प्राइस आई, 20 करोड़। तो जब मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा, मैं लूंगा 20 करोड़ माइनस कॉस्ट, तो अपने को कैपिटल गेन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इस तरह तो गलत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई दिक्कत, एक काम करो, इस 20 करोड़ का 110% करो। तो हमने किया, 20 करोड़ का 110% आया 22 करोड़। क्या एसडीवी 22 करोड़ से ज्यादा है? यस, एसडीवी 22 करोड़ से ज्यादा है। देखो एसडीवी कितना है, 100 करोड़, 110% कितना है, 22 करोड़। तो एसडीवी इज मोर देन 110%, यानी 100 करोड़ इज मोर देन 22 करोड़। यस, तो एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। यस, तो इस सिनेरियो में जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 100 करोड़। तो एक जेन्युइन कंसिडरेशन, एक जेन्युइन अमाउंट आ गया अपने पास। तो गवर्नमेंट ने जेन्युइन का बेस किसको रखा है, एसडीवी को, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को रखा है। ओके, चलो लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। द सेलिंग प्राइस इज 130, एसडीवी इज 140, व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? सर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसका 110% करो। तो इसका 110% हमने किया, तो 130 इंटू 110% आया 143। क्या एसडीवी इज मोर देन 143? द आंसर इज नो, एसडीवी इज नॉट मोर देन 143। तो अपने को क्या लेना है, जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। गलती कहां होगी, यहां देखो गलती कहां करेंगे एग्जाम में, कहां गलती कर सकते हैं, 143 मत ले लेना, 143 इज ओनली फॉर चेकिंग पर्पस, सिर्फ चेक करने के लिए। अपने को क्या लेना है, 130 एक्चुअल सेलिंग प्राइस लेना है। गलती से यहाँ पे 143 मत कंसीडर कर लेना, 143 सिर्फ चेकिंग पर्पस के लिए। सेलिंग प्राइस इज 160, एसडीवी इज 176, बताओ क्या होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? वेरी गुड, सबसे पहले क्या करेंगे, 110% करेंगे, तो 160 का 110% होता है 176। ओ माय गॉड, एग्जैक्ट फिगर आ गया। तो एग्जैक्ट फिगर आ गया, तो इस सिनेरियो में अपने को लेना है जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो, बिकॉज मोर देन नहीं हुआ। जब भी मोर देन होगा तभी अपने को एसडीवी की तरफ जाना है। सेलिंग प्राइस इज 190, एसडीवी इज 210, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना होगा? एवरीबॉडी सबको ट्राई करो, वेरी गुड। कैसे हुआ, तो सेलिंग प्राइस का 110% हमने किया तो आया अपने पास 209। क्या एसडीवी इज मोर देन 209? द आंसर इज यस, एसडीवी इज मोर देन 209। तो इस सिनेरियो में एसडीवी विल बी आवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो जब भी 110% के ऊपर जाएगा तो एसडीवी लेना है, जब भी 110 एग्जैक्ट या उससे कम होगा तो जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वही अपने को कंसीडर करना है। अब प्रॉब्लम समझो क्या हुआ, अगर आपने कभी बिल्डिंग का लेवा देवी किया होगा तो आपको पता होगा एसडीवी इज एक्चुअली नॉट दैट जेन्युइन, जितना उसको जेन्युइन बोला जाता है उतना जेन्युइन होता नहीं है। हो सकता है जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 100 करोड़ हो, बट मेरी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है या उसका वास्तु सही नहीं है, कोई भी रीजन से उसकी जो वर्थ है वो 20 करोड़ ही है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, बट गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है हम तो 100 करोड़ ही लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मैंने गवर्नमेंट को बोला यार गवर्नमेंट तू बात समझ, जब मेरे को 20 करोड़ ही मिले तो मैं 100 करोड़ पे टैक्स कैसे दूंगा तुमको, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है एक ऑप्शन देते हैं, अगर तुमको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि एसडीवी बहुत ही ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, बहुत ही ज्यादा है, तो तुम एक काम करो, तुम एसेसिंग ऑफिसर के पास जाओ। एसेसिंग ऑफिसर यानी वो ऑफिसर इनकम टैक्स का जो तुम्हारा केस देख रहा है, वो तुम्हारा केस एक वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर करेगा। किसको करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा।
अब गवर्नमेंट बोलती है अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाला तो फिर तुम वो वैल्यू मानोगे, बिकॉज वैल्यूएशन ऑफिसर एक अनबायस्ड आदमी है, उसका वैल्यू तो तुमको मानना ही पड़ेगा, तब तुम नौटंकी नहीं कर सकते, ये वो वगैरह नहीं चलेगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर तो मल्टीपल वैल्यू निकाल सकता है। अब मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो निकाली, वो बोलता है एसडीबी ये बंदा सही बोल रहा है, 100 करोड़ नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने पूरा एनालिसिस वगैरह किया, पूरा कॉम्पिटिशन वगैरह किया, मेरे हिसाब से 25 करोड़ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर ने 25 करोड़ बोला है तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 25 करोड़ ही ले लेंगे, कोई दिक्कत। बट मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है हाँ हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, 100 करोड़ इसका वैल्यू नहीं होना चाहिए था, मैंने वैल्यूएशन किया, कॉम्पिटिशन किया, मेरे हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए थी 120 करोड़, 120 करोड़। लो अब तो ये फंस गए। तो अब ये बंदा क्या बोलेगा, बोलेगा एक काम करो, एसडीबी बोल रहे थे ना आप 100 करोड़, तो वही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वो ले लीजिए, कम से कम 120 करोड़ मत लीजिए। तो इस सिनेरियो में अपने क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो एसडीबी थी दैट इज 100 करोड़, वही अपने कंसिडर कर लेंगे। अब मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाला, बोला हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, 100 करोड़ वैल्यू नहीं होना चाहिए था, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़। अब अगर गवर्नमेंट 5 करोड़ ले लेगा तो गवर्नमेंट का तो लॉस है, बट गवर्नमेंट 5 करोड़ लेगा क्यों, जब ये बंदा सामने से ही आके बोल रहा है कि 20 करोड़ रुपए मिले हैं, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अगर 20 करोड़ है तो 5 करोड़ ही क्यों लेना, जब 20 करोड़ मिले हैं तो 20 करोड़ पे टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, रियलिटी चेक करेंगे, रियलिटी में अपने को पता चला 20 करोड़ तो है ही, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना बनेगा, 20 करोड़ जो मिला है वो तो है ही ना, फिर 20 करोड़ अपने को ले लेना एक्चुअल। इसको कैसे करते हैं देखो, If SSC claim that SDV is more than fair market value of the asset, यानी मेरे को लगता है कि SDV बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए था, तो refer करेंगे valuation officer को, कौन refer करेगा, हम नहीं, assessing officer, हम जाके assessing officer को बोलेंगे, वो valuation officer के पास further refer करें। अब valuation officer या तो SDV के ऊपर ही चला जाएगा, यानी 120 करोड़ पे चला गया, तब अपने को full value SDV पे stick कर देनी है, SDV के ऊपर नहीं जाना है, यानी 100 करोड़ हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लें। बट अगर वैल्यूएशन एसडीवी के नीचे चला गया तो जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकाला है दैट इज 25 करोड़, तो हम 25 करोड़ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लें। बट अगर वो बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है उतना तो लेना ही लेना है, कोई बात नहीं, 20 करोड़ रुपए मिले तो 20 करोड़ तो सेलिंग प्राइस आएगी ही आएगी। अगर आपको ये चीज समझी है तो इसी वाले क्वेश्चन को अपने फर्दर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाला, सेलिंग प्राइस 190 करोड़ था, एसडीवी 210 करोड़ था, 110% क्या तो 209 आया, दैट इज एसडीवी इज मोर देन 110%, तो हमने एसडीवी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया, 210 करोड़ रुपए हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया। अब वो आके रोने लगा, नहीं 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 210 करोड़ नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इसका 190 करोड़ ही होना चाहिए वैल्यू। तो असेसिंग ऑफिसर बोलता है चलो वैल्यूएशन करवा लेते हैं, चलो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, तो हम चले गए वैल्यूएशन ऑफिसर। अब एसडीवी कितना है, 210, सेलिंग प्राइस कितना है 190, ध्यान में रखना, ठीक। वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाला 220, बताओ क्या लेंगे, 220 लेंगे या 210 लेंगे या 190 लेंगे, तो वेरी गुड, कितना लेंगे, जितनी एसडीवी आई फिर उतना ही लेंगे, अपने ले लेंगे 210 ले लेंगे। अगर 195 वैल्यू आया, 195 वैल्यू आई है, ठीक है, कितना है, सेलिंग प्राइस इज 190, एसडीवी इज 210 एंड वैल्यूएशन बोलता है 195, लो बेचारे को 195 इज द जेन्युइन वैल्यू, तो अपने कितना लेंगे 195, तो फुल वैल्यू कंसीडरेशन कितनी हो जाएगी, जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने निकाला वो वाली वैल्यू। अब वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है नहीं 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 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो 180 क्यों लेंगे, जब वो सामने से ही बोल दिया 190 करोड़, तो फिर 190 करोड़ विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। आशा करता हूँ ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बिकॉज ये आगे बहुत ज्यादा आने वाला है, स्पेशली ये 110% वाला।
अब हम बात कर रहे हैं एसडीवी 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 एसडीवी। भैया एसडीवी किस दिन का लेना है, क्योंकि हर दिन की तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग हो सकती है, तो अपने को एसडीवी किस दिन का कंसिडर करना है। तो जनरली एसडीवी हम लेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट का, बट कंडीशन क्या है, ओनली इफ एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन एग्रीमेंट अदर देन कैश, यानी तो अकाउंट पे चेक दे दिया या तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, अगर किसी भी इस तरह से पेमेंट हुआ एग्रीमेंट वाले दिन पे, जिसको अपने क्या बोलते हैं टोकन मनी बोलते हैं, तो उस दिन वाला अपने एसडीवी ले लेंगे। यानी डेट ऑफ एग्रीमेंट कब लेना है, डेट ऑफ एग्रीमेंट तुमको तभी लेना है जब अदर देन कैश में कुछ भी मिला, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 1,000 रुपया 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी मिला अदर देन कैश में टोकन मनी, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट लेंगे। अगर नहीं है ऐसा तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे, जिस दिन रजिस्टर करवाओगे उस दिन का डेट का एसडीवी लेना है। यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हर दिन की अलग होती है, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली जनरली हम लेते हैं अगर अपने को एक भी रुपया मतलब 1 रुपया मिला अदर देन कैश, 10,000 20,000 कोई भी टोकन मनी मिला अगर अदर देन कैश में मिल रहा है तो अपने डेट ऑफ एग्रीमेंट का एसडीवी लेंगे, अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसडीवी लेते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसडीवी अपने कंसिडर कर। एंड दोस्तों आपको पता है इसी के साथ अपना खत्म होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यस यस ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड, सम क्वेश्चन ऑफ योर स्टडी मटेरियल दैट विल आल्सो बी कवर, एवरीथिंग विल बी कवर, डोंट वरी, पूरा पेपर इसी से ही आएगा, टेंशन मत लो। अब एक और प्रॉब्लम अराइज होगी, सर आपने बोला जो कंसिडरेशन जनरली हम लेते हैं जो मिला कंसिडरेशन वो या अनकोटेड है तो फेयर मार्केट वैल्यू या जो मिला विच एवर इज हायर। 50C में हम लैंड एंड बिल्डिंग का केस देख लिए थे जिसमें अपने को पता चला कि अपना अगर 110% से ज्यादा एसडीवी तो एसडीवी ले लेंगे, एंड अगर उससे कम है या इक्वल टू है तो जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन है वही लेते हैं अपने, अनवैल्यूएशन ऑफिसर वाला केस हमने देखा। बट सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू ही पता नहीं चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला था कैपिटल एसेट में आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी होता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का तो कोई फेयर मार्केट वैल्यू हो नहीं सकता बिकॉज वो चीज तो कभी थी ही नहीं एग्जिस्टेंस में, खुदाई के बाद वो मेरे को मिली, वो एक ऐसा स्कल्पचर मिल गया अनोखा सा कि समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका मुंह कहाँ पे उसका शरीर कहाँ पे, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, तो इस सिनेरियो पे गवर्नमेंट ने बोला डिफॉल्ट ऑन 50D के पास चलेंगे, 50D बोलता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाना या मर्चेंट बैंकर के पास जाना, मर्चेंट के पास जाना है किसी के पास भी जाना जो एक्चुरियल वगैरह के पास, वो जो वैल्यू निकालेगा वो वैल्यू फिर यहाँ पे ले लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू अपने कंसिडर कर। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में हमने क्या देखा, जनरली जो अमाउंट मिला वो अनकोटेड शेयर के लिए फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल सेलिंग प्राइस, 50CA। 50C किसकी बात करता है, लैंड एंड बिल्डिंग, इफ एसडीवी इज मोर देन 110% तो एसडीवी ले लेंगे, बट अगर उससे कम है सॉरी मोर देन है तो वो ले लेंगे, उससे कम या इक्वल टू है तो जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वही कंसिडरेशन में लेंगे। एसडीवी किस दिन का लेना है, डेट ऑफ एग्रीमेंट का लेना है, अगर अकाउंट पे चेक या अदर देन कैश में कुछ भी रुपया मिल जाता है तभी, अगर अदरवाइज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना है, और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या लेना है तो 50D के तहत फेयर मार्केट वैल्यू। तुमने सेक्शंस क्या क्या देखे अभी तक, ब्रेक देता हूँ पहले सेक्शन रिवाइज कर लेते। सबसे पहली बात हमने देखा ट्रांसफर क्या होता है 247 में, ट्रांसफर क्या नहीं होता है 47 में, एग्जेम्पशन दो सेक्शन में मिलते हैं 54 और 10 में, 54 की सीरीज और 10 की सीरीज, चार्जिंग सेक्शन 45, कॉम्प्यूटेशन का सेक्शन 48। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा 50D कुछ नहीं समझ में आ रहा फेयर मार्केट वैल्यू, 50CA अनकोटेड वाला फेयर मार्केट वैल्यू या तुम्हारा कंसेशन विच एवर इज हायर, 50C लैंड एंड बिल्डिंग 110% से ज्यादा है तो एसडीवी अपने को लेना होता है, वेरी गुड ना, ठीक है। सेक्शन सब माइंड में एकदम रिवाइज करते चलेंगे, धीरे 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 लर्न हो जाएगा। सेक्शन का मजेदार बात यह है कि नंबर अपने ब्रेन को ज्यादा जल्दी लर्न होते हैं, ठीक है, बिकॉज हमने बचपन से नंबर ही पढ़े ना, तो नंबर बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे, तो सेक्शन का लोड अलग से नहीं लेना है। बाकी ये लीजिए 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अपने चलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन की तरफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेक्शन लर्न करना है, हाँ सेक्शन लर्न करना है, नहीं होते सेक्शन लर्न हो जाएंगे,
खंबा देखो, लर्न हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। हाँ
आ जाओ सब, कहाँ चले गए, कहाँ खो गए तुम कहाँ, आ जाओ तुम यहाँ, आ जाओ दोस्तों। सर हम तो यहीं हैं, आप कहाँ हैं? आप नजर नहीं आ रहे। मैं आ जाऊंगा नजर, पहले तुम लोग आ जाओ नजर। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, यस सर, आ गए हम लोग। दोस्तों कैमरा ऑन कर लो यार, वो दिख नहीं रहे हो। दिखोगे नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगा कि तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। यस सर ओके। हमने देखा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब अपने चलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन की तरफ। बहुत 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 ध्यान से सुनो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन में हमने तीन प्रकार के एसेट डिटरमाइन किए, इनटेंजिबल एसेट, शेयर्स एंड अदर एसेट। अदर एसेट विल फर्दर बाइफर्केटेड। पहले इनटेंजिबल एसेट के लिए अपने देखते हैं। ओके आनंद, जस्ट वेट, पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन इनटेंजिबल एसेट के लिए अपने को क्या देखना है? अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट है, अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट है, इनटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, तो उस सिनेरियो में इट विल बी निल। यानी कॉस्ट क्या लेना है? जीरो। कॉस्ट क्या लेना है? निल लेना है। यानी अगर तुम उसको बेचोगे तो पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल गेन में चला जाएगा। तुम कोई भी कॉस्ट माइनस नहीं कर सकते हो सेल्फ जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट के। बट अगर परचेज किया है तुमने, ये लाइक परचेज्ड गुडविल, गुडविल भी परचेज करते, तो परचेज जो अगर किया है तो उसके लिए जो कॉस्ट तुमको लेना है, वो कॉस्ट लेना है परचेज प्राइस। यानी परचेज करते टाइम जो भी प्राइस पे किया वो तुमको कंसिडर करना है। नोट्स बाद में बना लेना साथ में, एक साथ ही जब LMS शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे नोट्स है, ठीक है। इसमें मेन हम समरी से ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन इनटेंजिबल एसेट के लिए सेल्फ जनरेटेड के लिए लेना है निल, परचेज के लिए लेना है परचेज प्राइस, जो भी हमने पे कर रखा है। अब शेयर्स की बात करें। अब शेयर्स होते हैं तीन प्रकार के, ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर। इन कंपनीज एक्ट में तुमने पढ़ा होगा इसके बारे में। ओरिजिनल शेयर के लिए अपने को लेना है परचेज प्राइस, यानी जो भी प्राइस हमने पे किया उसके परचेज के टाइम के लिए, वो वाला प्राइस अपने कॉस्ट लेने। बोनस के लिए तुमने पढ़ा भी होगा ये वाला चीज, AFM में पढ़ा होगा, FR वगैरह कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा कि बोनस कॉस्ट का कोई शेयर, बोनस शेयर का कोई कॉस्ट नहीं होता है। शेयर के लिए कॉस्ट क्या लेना है? निल लेना है, जीरो लेना है, ठीक है। बोनस शेयर का कॉस्ट नहीं होता, तो बोनस शेयर का कॉस्ट नहीं लेना है। बट अब एक डेट आएगी कैपिटल गेन में, और ये बहुत ज्यादा आएगी। ये डेट है 1/4/2021, 1/4/2001। तो 1/4/2021 बोला ना, सॉरी, 1/4/2001। तो 1/4/2001 के पहले का अगर बोनस शेयर है तो उसकी कॉस्ट अपने को लेनी है। यानी 1/4/2001 के पहले का जो बोनस शेयर है उसकी कॉस्ट अपने लेते हैं, और उसकी कॉस्ट होती है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विल बी द कॉस्ट फॉर दैट बोनस शेयर विच इज अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। ओके, तो शेयर के लिए, ओरिजिनल शेयर के लिए परचेज प्राइस लेना है, बोनस शेयर के लिए निल होता है। बट अगर बोनस शेयर इज अक्वायर्ड बिफोर, मतलब अपने को मिला था 1/4/2001 के पहले, तो वो बोनस शेयर का कॉस्ट होता है, और वो कॉस्ट होता है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। अब तुमको 1988 में मिला, 1970 में मिला, इरेलीवेंट, सबके लिए एक ही कॉस्ट होगी और वो होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। समझेंगे प्रैक्टिकली, अभी सिर्फ लर्न करने पे फोकस कर। फिर बात करते हैं राइट शेयर की। राइट शेयर आपको पता है कंपनी राइट इशू करती है। राइट इशू मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको वो शेयर कम प्राइस में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और फिर एक इसका रिकॉर्ड डेट होता है, रिकॉर्ड डेट के बाद आपको वो राइट या तो आप एग्जीक्यूट कर दोगे
या तो आप लैप्स कर दोगे या तो आप रिनाउंस कर दोगे। रिनाउंस वर्ड आपने सुना होगा कम्युनी लॉ में। रिनाउंस मतलब आपके पास एक अधिकार है कि आपको जो राइट मिला है ना शेयर को कम दाम में खरीदने का, ये राइट का आप सेल किसी थर्ड पर्सन को कर सकते हो। तो राइट इश्यू के लिए समझने के लिए उसको ऐसे समझते हैं कि एमटी लिमिटेड का शेयर है, शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो है 500 रुपए। ठीक, मार्केट प्राइस जो है वो 500 रुपए। कंपनी राइट इशू करती है एंड राइट इशू करके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एक ऑप्शन देती है कि तुम इस शेयर को 160 रुपीज में खरीद सकते हो। कितने में खरीद सकते हो? 160। तो जो शेयर मार्केट में 500 का चल रहा है वो शेयर होल्डर लोग को 160 रुपीज में मिल जाएगा। अब दो शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है एमटी और एक शेयर होल्डर है पीएस। एक शेयर होल्डर है एमटी, एक शेयर होल्डर है पीएस। अब एमटी क्या करता है, इस राइट को ले लेता है। ठीक है, बोलता है ठीक है हम 160 में ये शेयर खरीद लेंगे। अब वो शेयर जो खरीदता है वो खरीदता है 100 शेयर्स। तो इस 100 शेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, जितना भी कॉस्ट उसने पे किया है कंपनी को, तो कंपनी को इसने 160 पे किया तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हो जाएगा 160 × 100, दैट इज 16,000। तो 16,000 विल बी द कॉस्ट। करेक्ट, सिंपल एकदम। कुछ बेचा ही नहीं है तो कैपिटल गेन अभी नहीं आएगा, अभी सिर्फ कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन विल बी 16,000। एक पीएस है, उसने क्या किया, उसने इस 100 शेयर का जो उसको ऑप्शन मिला था 160 में लेने का, इसने खुद नहीं लिया, इसने इसको रेनाउंस कर दिया। रेनाउंस मतलब किसी और पर्सन को दे दिया कि तू ले ले मेरे बिहाफ में, तू खरीद ले मेरे बिहाफ में, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास सफिशियंट नंबर ऑफ शेयर है, मेरे को अननेसेसरी शेयर और नहीं खरीदने का। तो रेनाउंस के केस में क्या होगा, पीएस ने रेनाउंस कर दिया मान लो मिस्टर एम को। अब पीएस ने जब मिस्टर एम को रेनाउंस किया है तो फ्री में थोड़ी करेगा। अगर हम तुमको 500 का शेयर 160 में दे रहे तो हम तुमसे कुछ रुपया लेंगे ना, फोकट का तो देंगे नहीं। तो मिस्टर एम ने इसके लिए पे किया 50 रुपीज। मिस्टर एम ने कितना पे किया, 50 रुपीज पे किया पीएस को कि भैया तू ये 50 रुपया रख और मेरे को ये राइट ट्रांसफर कर दे ताकि 500 का शेयर मैं 160 में खरीद लूं। तो पीएस ने इसको रिनाउंस कर दिया। पीएस के पास रोकड़ा आया, रोकड़ा आया। जनरली हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेते हैं, जो भी मिला वो। तो 50 रुपए मिले, 50 रुपए हमने ले लिए। क्या कोई कॉस्ट है, क्या कोई कॉस्ट बियर किया क्या पीएस? तो पीएस ने कोई भी कॉस्ट बियर नहीं किया। फ्री का उसके पास राइट आया था, उसने बस वो राइट को बेच दिया, रुपया उसको मिल गए। तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन है क्या इस राइट को बेचने के लिए? कोई कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा 50 रुपए क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल। ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है बिकॉज ये राइट जो होती है ना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना ही इसकी वैलिडिटी होती है। तो इन ऑल द सिनेरियो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग इसका लेस देन 1 ईयर ही होने वाला, तो ऑन द सिनेरियो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही बनेगा ऑलवेज। अब मिस्टर एम की बात करते हैं। मिस्टर एम ने खरीदा है तो मिस्टर एम के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन कितना होगा, जितना रुपया मिस्टर एम ने पे किया है। मिस्टर एम ने कितना रुपया पे किया, पहली बात तो उसने 50 रुपए दिए पीएस को राइट खरीदने के लिए। और क्या पे किया, सिर्फ राइट खरीदने से शेयर मिल जाएगा क्या? नहीं, कंपनी को पैसा देना होगा तब तो शेयर मिलेगा। तो कंपनी को हमने पेमेंट किया 160 रुपीज का। तो टोटल पेमेंट हुआ 160 और 50, दैट इज 210 रुपए। तो 210 रुपए विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन फॉर पीएस। क्या पीएस का फिर भी फायदा हुआ क्या, अगर लॉजिकली देखे? बिल्कुल हुआ। 500 का शेयर 210 में मिल गया तो फायदा तो हो ही गया। तो 210, 500 का शेयर 210 में पड़ा तो यहां अपने को फायदा मिल गया। तो एमटी लिमिटेड अगर राइट इशू लाता है, अगर तुम राइट ऑप्ट कर लेते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन बन जाएगा, जितना भी रुपया तुमने पे किया है गवर्नमेंट को, सॉरी कंपनी को, वो बन जाएगा। अगर तुमने रेनाउंस कर दिया तो दो चीज होगी, जो रेनाउंस कर रहा है पहली बात तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जितना भी रुपया में उसने बेचा है। जो ले रहा है यानी मिस्टर एम, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या बनेगा, जितना रुपया उसने पीएस को दिया वो प्लस जितना उसने कंपनी को दिया वो, दोनों लेना। अब अगर मिस्टर एम के पास शेयर आ गए तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा?
जिस दिन रिनाउंस के लिए, जिस दिन रिनाउंस हुआ उस दिन, या जिस दिन राइट खरीदा उस दिन, या रिकॉर्ड डेट क्या होगा? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा जिस दिन शेयर मिला, दैट इज डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन अलॉट हुआ शेयर, वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे मिस्टर एम के लिए। ओके, व्हाट सिंपल था राइट इशू। ओके, समझ गया सर, राइट इशू भी समझ में आ गया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में देखा, अगर इनटैंजिबल एसेट है, सेल्फ जनरेटेड है, निल ले लो, परचेज है तो परचेज प्राइस ले लो। शेयर के लिए, ओरिजिनल शेयर के लिए परचेज प्राइस, बोनस शेयर के लिए निल लेते हैं। बट अगर बोनस शेयर इज बिफोर 1/4/2001, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कंसिडर करेंगे। राइट शेयर के लिए, राइट शेयर के लिए अगर खुद ले लेता है, तो जितना रुपया कंपनी को पे किया वही कॉस्ट बन जाएगी। अगर रिनाउंस कर देता है, तो जितना रुपया पीएस को मिला वो उसका कैपिटल गेन बनेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जिसको, जिसने खरीदा है, उसके लिए कॉस्ट बनेगा जितना उसने पीएस को पे किया वो, प्लस जितना उसने इसमें लिया, क्या बोलते हैं, कंपनी को पे किया वो, यानी 210 रुपीज कॉस्ट। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेनी है? जिस दिन अलॉटमेंट हुआ वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को कंसिडर करना होता है। अब बात करते हैं अदर एसेट की। अब अदर एसेट में दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो हमने इसको परचेज किया बिफोर 1/4/2001, और या तो हमने इसको परचेज किया आफ्टर 1/4/2001। अब आफ्टर वाली केस देख लो। तो आफ्टर वाले केस में अदर एसेट में सिंपल सी बात बोलता है, जितना भी एक्चुअल कॉस्ट है वो ले लेना। क्या ले लेना? जितना भी एक्चुअल कॉस्ट है, यानी जितना रुपया तुमने पे किया उसको खरीदने के लिए, उतना ही उसका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। ज्वेलरी को खरीदने के लिए हमने 10 लाख रुपए पे किए, तो एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए बन जाएंगे। तो जितना रुपया पे किया उतना ही रुपया एक्चुअल कॉस्ट बनेगा, अगर एसेट को हमने परचेज किया बिफोर 1/4/2001। अब कॉस्ट टू पीओ अभी आगे बहुत बार आएगा, यहां एक्सप्लेन करता हूं। अब जब भी पीओ बोलूंगा तो इसका यही मतलब होगा जो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक सेक्शन है ना 47, याद, जिसमें बोलता है ट्रांसफर क्या नहीं होता है। तो सेक्शन 47 में एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ए ने बी को कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, बट ये कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर हुआ है वो अंडर अ विल ट्रांसफर हुआ है, यानी ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, ए ने बोला मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी बी के पास चली जाएगी, ए भैया टपक गया। अब बी के पास प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी कैसे आई? विल की वजह से प्रॉपर्टी आई। अब अगर विल की वजह से प्रॉपर्टी आई, तो बी ने कोई रुपया पे किया है क्या? कोई रुपया पे ही नहीं किया। तो जब बी ने रुपया पे नहीं किया, तो क्या अपने उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या? नहीं, अपने उसका कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते। जब बी ने कुछ रुपया ही नहीं दिया, तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? इस सिनेरियो में क्या करेंगे? इस सिनेरियो में पीछे चलेंगे, पीछे पीछे जाएंगे, मतलब ए का देखेंगे। ए ने कितना रुपया पे किया था इसको खरीदने के लिए? तो मान लो अगर ए ने 1 करोड़ रुपया पे किया था, तो बी के लिए जो कॉस्ट होगा वो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट हो जाएगा, दैट इज 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। ये कब आता है? जनरली दो केस में आएगा, विल के केस में आएगा, गिफ्ट के केस में आएगा, विल और गिफ्ट के केस में आएगा। ओके सर, और एक बार समझाइए। तो हमने देखा एक सेक्शन है 47 जो बोलता है ट्रांसफर क्या नहीं। ए ने बी को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, गिफ्ट दे दिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, ज्वेलरी दे दिया मान लो। अब इस सिनेरियो में जनरली कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या लेते हैं? इफ एसेट इज परचेस्ड आफ्टर 1/4/2001, आफ्टर वाले केस में, तो आफ्टर वाले केस में हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, जितना रुपया पे किया उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, दैट विल बी द कॉस्ट। अब बी ने तो कोई रुपया पे ही नहीं किया इस एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसको तो एज अ गिफ्ट मिला है, तो इस सिनेरियो में कॉस्ट क्या लेंगे? ए को कितने में पड़ा था? तो प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट है, दैट विल बी द कॉस्ट फॉर मिस्टर बी एज वेल। तो मिस्टर बी के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? 10 लाख, बिकॉज ए ने 10 लाख में खरीद के दिया था, तो कॉस्ट भी बी के लिए क्या हो जाएगी? 10 लाख रुपए। अच्छा, अब मैंने बोला ट्रांसफर नहीं है 47 में, तो क्या ए के हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स आएगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज कंडीशन क्या थी? ट्रांसफर होना चाहिए, कैपिटल एसेट होना चाहिए, गेन होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो जब ट्रांसफर ही नहीं है, तो कंडीशन ब्रीच हो गई, कंडीशन ब्रीच हो गई तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, तो ए के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं। अब इसके बारे में हम फर्दर और आगे IFRS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वगैरह जब पढ़ेंगे, तो उसमें इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, अभी बस इतना ही समझते हैं।
तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर कब आएगा? विल वगैरह के केस में आएगा, बिकॉज 47 ट्रांसफर उसको मानता नहीं है, तो बी ने कोई पैसा ही पे नहीं किया। जब बी ने कोई पैसा ही पे नहीं किया है तो कॉस्ट जो भी ए की थी वही वाली बन जाएगी, नहीं कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर विल बी द कॉस्ट। तो अब जब भी पीओ आएगा तो समझ लेना प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेना है अपने। तो कोई भी एसेट जिसको हमने परचेज किया आफ्टर 1/4/2001 तो उसके लिए अपने को लेना है एक्चुअल कॉस्ट, और अगर गिफ्ट या विल के थ्रू मिला तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेना है। दोनों में जो एज द केस में भी दैट विल बी एप्लीकेबल। एक्चुअल कॉस्ट है, पैसा पे किया तो एक्चुअल कॉस्ट, पैसा पे नहीं किया तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले लेंगे। अब बात करते हैं अगर एसेट को हमने परचेज किया बिफोर 1/4/2001। अब एक इंडेक्स है जिसका नाम है CII, जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे आज, ठीक है? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलता है कि आज से 20-30 साल पहले जो कॉस्ट हुई करती थी वो आज की डेट में भी सेम कॉस्ट थोड़ी ना होगी, अलग हो जाएगा। तो अपना जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 2001 से, 1/4/2001 से शुरू होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1/4/2001 से, 100 रुपीज से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है अपना। तो अगर हमने कोई भी एसेट परचेज किया है बिफोर 1/4/2001 तो या तो हमने परचेज किया होगा या तो हमें गिफ्ट मिला होगा। अगर हमने परचेज किया होगा तो एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे, अगर हमें गिफ्ट मिला होगा तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले लेंगे। बट उस समय आज से 20-30 साल पहले जो एसेट परचेज किया था, जरूरी थोड़ी है कि उस एसेट का कीमत मतलब उस समय तो कम होगा ना कंपैरेटिवली आज के मुकाबले। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज बोल दी गवर्नमेंट ने कि तुम घबराओ मत, इंडेक्सेशन इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो जब लॉन्ग टर्म होता है तब देना पड़ता है। अब चाहे एसेट तुम्हारा शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, अगर एसेट को तुमने परचेस किया बिफोर 1/4/2001 तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट तुमने पे किया वो, और अगर फ्री का मिला है तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर लेना है, यानी एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर विल बी आवर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। तो एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर विल बी आवर एक्चुअल कॉस्ट। दिस इज फॉर द एसेट विच हैज बीन परचेस्ड बिफोर 1/4/2001। बट अगर हमने 1/4/2001 के पहले परचेज किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस सिनेरियो में क्या करेंगे? तो उस सिनेरियो में वही सेम चीज है जो ने की है, एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं या फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं 1/4/2001 के पहले का, विच एवर इज हायर लेते हैं, करेक्ट लो कोई दिक्कत नहीं। बट गवर्नमेंट बोलती है ये फेयर मार्केट वैल्यू ना एसडीवी के ऊपर नहीं होना चाहिए। कौन से दिन का एसडीवी? 1/4/2001 के एसडीवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज लोअर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे एंड हायर ले लेंगे। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। बट ये किसके लिए अप्लाई करेंगे? सिर्फ उसी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जिसको परचेज किया बिफोर 1/4/2001, बाकी के लिए नहीं अप्लाई करना है। बिफोर 1/4/2001 के पहले का एसेट है उसके लिए ही ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। पॉइंट क्या है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम एक्वायर करते हैं बिफोर 1/4/2001 तो उस सिनेरियो में अपने को पहले लेना है एसडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू, ये दोनों में लोअर ले लो, फिर जो आंसर आएगा उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके विच एवर इज हायर ले लो, और अगर फोकट का मिला है तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट के साथ कंपेयर कर लेना, या तो एक्चुअल कॉस्ट या तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एसडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी के ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम एसडीवी तक ही हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो एसडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, फिर जो आंसर आया उसको कंपेयर कर लेंगे एक्चुअल कॉस्ट, और दोनों में विच एवर इज हायर ले लेंगे। तो सर हमने एक चीज देखी कि अगर कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं 1/4/2001 तो अपने उसको कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 एंड विच एवर इज हायर अपने लेते हैं। तो क्या ये चीज अपने को शेयर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी क्या? तो जी हाँ, अगर हमने शेयर्स को परचेज किया बिफोर 1/4/2001
तो अपने पास ऑप्शन है फेयर मार्केट वैल्यू लेने का, दैट इज विच एवर इज हायर, एक्चुअल परचेज प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2011, विच एवर इज हायर अपने ले सकते हैं। बोनस शेयर के लिए तो हमने ऑलरेडी देख लिया नील होता है एंड बिफोर 1/4/2001 है, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 लेते हैं। क्या सर ये इनटैंजेबल के लिए भी ऑप्शन रहता है क्या? सो द आंसर इज नो। इनटैंजेबल एसेट इफ एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो भी नील लेना है और परचेज है तो परचेज प्राइस लेना। तो चाहे 1/4/2001 के पहले का हो चाहे उसके बाद का हो, इनटैंजेबल एसेट के लिए बस यही वाला फॉलो करना है अपने को। एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद एक मस्त वाला एमटी एग्जांपल बनाएंगे, पूरा माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन इनटैंजेबल एसेट के लिए चाहे 1/4/2001 के पहले का हो चाहे उसके बाद का हो इररिलेवेंट है। सेल्फ जनरेटेड के लिए निल लेना है, परचेज के लिए परचेज प्राइस लेनी है। शेयर्स की बात कर लेते हैं, अगर ओरिजिनल शेयर है तो परचेज प्राइस लेना है, बट अगर हमने उसको एक्वायर किया बिफोर 1/4/2001 तो विच एवर इज हायर लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 या परचेज प्राइस विच एवर इज हायर अपने को लेना है। बोनस के केस में निल लेना है, बट अगर हमने उसको एक्वायर किया बिफोर 1/4/2001 तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। राइट इशू के लिए जितना गवर्नमेंट कंपनी को पे किया दैट विल बी द कॉस्ट, और रिनाउंस किया तो जितना कंपनी को पे किया वो प्लस जितना जिससे सामने वाले से राइट खरीदा उसको जितना पे किया वो, दोनों अमाउंट को ऐड करते। अदर एसेट के लिए अगर 1/4/2001 के पहले का है तो एक्चुअल कॉस्ट या प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, ये अपने को लेना। एक्चुअल कॉस्ट है तो एक्चुअल कॉस्ट, फोकट का मिला है तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेना। अगर बिफोर 1/4/2001 है तो जनरली क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट या 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर लेंगे। क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर, अगर बिफोर 1/4/2001 का केस है। इमोबाइल प्रॉपर्टी के लिए सेम है, एसडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर करेंगे पहले, फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, दोनों में व्हिचएवर इज हायर है वो अपने कंसीडर करेंगे। एम आई क्लियर दोस्तों, किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? जितना हमने कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन पढ़ा नहीं डाउट है तो अब करेंगे एक मास्टर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हमने बना लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है कृपाली, ठीक है रुक इसके बाद ले, टाइप नहीं कर पाओगे ठीक है क्लास के बाद ले लेते हैं। चलो अब अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो मजा आ जाएगा। ये बस स्लाइड दिखा दीजिए सर, दिखाऊं कैसे? चलो ऐसे देख, ठीक है देख लिया सबने? अब करते एक मास्टर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन, पूरा दिमाग खुल जाएगा, मस्त क्वेश्चन। हौले हौले, हड़बड़ाना नहीं है, आंसर नहीं देना, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? कैमरा ऑन कर लो बाकी लोग, जो लोग नहीं ऑन किए। बोनस शेयर हमने खरीदा 4/2/1999, सबसे पहली चीज। अच्छा आफ्टर में बिफोर बोल दिया, बिफोर में आफ्टर बोल दिया, बोलने में हो सकता है मिस्टेक। अब देखो 4/2/1999 यानी हमने इसको परचेज किया बिफोर 1/4/2001, क्या है, बोनस शेयर है। जनरली निल लेते हैं बट सिंस हमने इसको परचेज किया बिफोर 1/4/2001 तो अपने लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, तो 2,00,000 रुपया हो गया अपना कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। किसी को दिक्कत इसमें नहीं? इनटैंजेबल एसेट, गुडविल इज एन इनटैंजेबल एसेट, यस। कब परचेज किया, 4/2/1999 यानी 1/4/2001 के पहले। गुडविल के लिए कुछ नहीं लिखा है, मतलब परचेज्ड है। हाँ, जनरली क्या लेते हैं, परचेज प्राइस लेते हैं, बट बिफोर किया तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिफोर किया तो इन ऑल द सिनेरियो अपने को परचेज प्राइस ही लेना होता है इंटेंजिबल एसेट का। तो इंटेंजिबल एसेट का परचेज प्राइस हो गया 1.5 लाख रुपए, दैट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एवरीबॉडी क्लियर, सबको समझा याला? ओके। कॉपीराइट सेल्फ जनरेटेड, तो सेल्फ जनरेटेड है तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ऑलवेज द आंसर विल बी निल। ओके। सिल्वर यूटेंसिल 1/3/2022, तो ये अदर एसेट में फॉल करेगा, तो अपने को जो भी एक्चुअल परचेज प्राइस पे किया 1,20,000 यही लेना है, राइट? वेरी गुड, नो टैक्स, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? बिकॉज सिल्वर यूटेंसिल तो कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, और जब वो कैपिटल एसेट है ही नहीं
कैपिटल गेन क्यों निकालना, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्यों निकालना, कुछ भी नहीं करना जब फर्स्ट कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड होगा। अब बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग को हमने एक्वायर किया 13/1999, दैट इज 14/2001 के पहले का बिल्डिंग है। ओके, हड़बड़ाना नहीं। सबसे पहले एसडीवी एंड फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे एज ऑन 14/2001। दोनों में क्या लेना है, विच एवर इज लोअर, बिकॉज कभी भी एसडीवी के ऊपर नहीं जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, दिस इज ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस सिनेरियो में विच एवर इज लोअर में आया 9 लाख। अब 9 लाख या एक्चुअल परचेज प्राइस दैट इज 8 लाख, विच एवर इज हायर लेना है। तो 9 लाख या 8 लाख, विच एवर इज हायर, 9 लाख इज हायर, तो द कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन विल बी 9 लाख। Everybody got this point, because ये बहुत ज़्यादा important point है, आगे भी काम आए। ठीक, share वाला तुम लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा shares के लिए। 14/1999, 3.5 लाख, 2 लाख। तो सर इट इज परचेज बिफोर 14/2001 एंड शेयर के पास ये ऑप्शन होता है कि विच एवर इज हायर वो ले सकता है। तो विच एवर इज हायर में अपने फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 3,50,000। डन, इजी, एवरीबॉडी गॉट इट। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, इसका आंसर मैं ग्रुप में शेयर करूंगा और मैं इसको करता हूं रब। इसको एक बारी घर में आप लोग वापस से बनाओगे, ठीक है, एक बार घर पे वापस बनाओगे ताकि एक बार कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लैरिटी आ जाए तुम लोग के पास। इसलिए मैंने आंसर रब कर दिया, आंसर है मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा बाद में। कब करूंगा, रात में करूंगा। तो तुम लोग बस पूरा दिन है इसको बनाने के लिए, इसको अच्छे से बना लेना, फिर आंसर चेक कर लेना कि वेदर कर पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो मेरा भी दिमाग चल रहा है, वहां पे सिर्फ तुम्हारा चलेगा। तो ये समझा हमने, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन सर हमको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या सर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया क्या? द आंसर इज यस, खत्म हो गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन खत्म हो गया क्या? द आंसर इज नो। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात बोलते हैं, अगर कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म है तो अभी जो हमने पढ़ा ना, एज इट इज 100% सेम, जैसे कॉस्ट निकालना सीखा एकदम ऐसे ही कॉस्ट निकलेगा, बस अब इसको इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स मतलब क्या होता है? तो इंडेक्स मतलब अभी के लिए समझो, जब हम इंडेक्स करेंगे ना तो जो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन हमने निकाला अपने वो कंसिडर कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो जिस दिन तुमने परचेज किया उस ईयर का सी आई आई कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से अपने डिवाइड करेंगे। बट अगर हमने इसको परचेज किया है बिफोर 14/2001 तो 100 लेना, चूंकि याद है मैंने बोला था 14/2001 से अपना टेबल स्टार्ट होता है। तो अपना अगर टेबल 14/2001 से स्टार्ट होता है तो उसके पहले वाला सी आई आई क्या लेना है, 100 ऑलवेज, क्योंकि उसके पहले कुछ है ही नहीं टेबल में, तो 100 अपने को लेना है। यानी अगर हमने परचेज किया 14/1999 तो 100 लेना, बट अगर हमने परचेज किया 14/2001 के बाद से तो टेबल है अपने पास, उस टेबल के हिसाब से अपने को सी आई आई लेना। इस पे अपने मल्टीप्लाई करेंगे सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर। जनरली हमारे एग्जाम के लिए मैक्सिमम 99% केस में ईयर ऑफ ट्रांसफर होने वाला है 23-24, करेक्ट, यही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अपना। एंड इस ईयर के लिए जो सी आई आई है ये लर्न करना पड़ेगा वो है 348, कितना 348, ये लर्न करना पड़ेगा। कई बार ये लर्न नहीं देंगे, ये वाला तो वो दे देंगे परचेज वाला, 100 अपने को पता ही अभी फोर है तो 100 है, ये अगर नहीं देंगे तो भी अपने क्या करेंगे 348। अब यहाँ पे कल कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, कल इसके बारे में इन डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए क्या है 348। तो इंडेक्सेशन मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट निकाला ऊपर वाले फॉर्मेट से वो ले लेना है, उसमें ईयर ऑफ ट्रांसफर का सी आई आई मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 348 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे सी आई आई ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब 2006-07 में किया था तो 2006-07 का ले लेना, 2008-09 में किया था तो 2008-09 का ले लेना, बट अगर 14/2001 के पहले का है तो उसके लिए सी आई आई विल ऑलवेज बी हंड्रेड, कितना होगा, विल ऑलवेज बी 100। एंड इस साल का सी आई आई कितना है 348, ये हर साल चेंज होता है, इस साल अपने लिए 348। समझा सबको? अब एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं, फिर
ये क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है, एक फुल फ्लेजेड प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आ जाओ, रेडी एवरीबॉडी। घबराना नहीं, एकदम मस्त है, इजी है और अपने 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे उसको। उषा परचेजेस 1000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹30 शेयर्स एंड ब्रोकरेजेस 1% इन जनवरी 1996। शी गेट्स बोनस शेयर ऑन इन अगस्त 2000 अगस्त में उनको एक बोनस शेयर मिला, 100 बोनस शेयर। फिर अगेन उनको बोनस शेयर मिला 1100 बोनस शेयर फरवरी 2006 में, 1100 बोनस शेयर मिला फरवरी 2006। फेयर मार्केट वैल्यू अपने को दे रखा है 1 अप्रैल 2001 का ₹80। शी ट्रांसफर ऑल हर शेयर्स फॉर ₹200 पर शेयर, ब्रोकरेज इज 2%। तो इसने 2% के ब्रोकरेज पे सारे शेयर को बेच दिया, सारे शेयर मतलब ओरिजिनल वाला भी, जो 100 बोनस मिला वो भी, और 1100 जो बोनस मिला वो भी। ओके, सीआईआई अपने को दे रखा 100 117 348। ओके, अगर 2022 का नहीं बताता तो भी अपने को पता है 100 है, 2023-2024 का नहीं बताता तो भी अपने को पता था 348 होता है, बस ये वाला अपने को नहीं पता था जो उनको देना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ट्रांसफर कब किया, 1 जनवरी 2024, यानी फाइनेंशियल ईयर क्या है अपना 23-24, यानी अपने करंट जो अपना फाइनेंशियल ईयर एग्जाम के लिए हमने उसमें ट्रांसफर किया। टैक्स कब लगेगा, जिस साल ट्रांसफर करेंगे उस साल टैक्स लगता है, जिस साल ट्रांसफर करेंगे उस साल कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप बाइफरकेट करोगे, एक ओरिजिनल शेयर है मेरे पास, एक है मेरे पास बोनस शेयर 100 वाला, एक है मेरे पास बोनस शेयर 1100 वाला, करेक्ट। तीन प्रकार के शेयर है मेरे पास टोटल, एक है मेरे पास ओरिजिनल शेयर है, ओरिजिनल शेयर कितना है मेरे पास 1000 ओरिजिनल शेयर, 1000 ओरिजिनल शेयर है, 100 बोनस शेयर मेरे को मिला, ये 100 बोनस शेयर, ये 1000 ओरिजिनल शेयर है मेरा 1996 का बोनस शेयर 100 जो मेरे को मिला वो मिला मेरे को अगस्त 2000 में, एंड जो 1100 है वो मेरे को मिला 2006 में, ठीक है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, पहली बात तो एक बार में एक में फोकस करेंगे, 10 जगह दिमाग नहीं लगाना, पहले ओरिजिनल शेयर की बात करते हैं। फॉर्मेट ऑलवेज सेम होगा, लर्न कर लो इस फॉर्मेट को, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस वी विल बी गेटिंग नेट सेल कंसिडरेशन। ओके, स्टॉप नाउ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात करते हैं। 1 जनवरी को हमने सारे शेयर बेच दिए ₹200 में, यानी ओरिजिनल शेयर भी बेच दिया, हाँ 1000 × 200 इतने के शेयर हमने बेच दिए, तो 1000 × 200 हुआ अपना ₹2,00,000। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हुआ, ₹2,00,000। अच्छा, शेयर बेचा तो 2% ब्रोकरेज लगा, तो ब्रोकरेज का मेरा खर्चा है क्या, एक्सपेंस है क्या, यस इट इज एन एक्सपेंस, तो इसको माइनस कर देंगे, गवर्नमेंट इसको माइनस करने देती है अपने को। तो 2 लाख का 2% होता है ₹4,000, तो अपने इस ₹4,000 को माइनस कर सकते हैं एंड वी विल बी गेटिंग नेट सेल कंसिडरेशन, राइट, इजी। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये शेयर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो हमने देखा सर अनलिस्टेड है, 24 मंथ्स पे ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, और ये तो 1996 में खरीदा था तो ये तो लॉन्ग टर्म है ही अपना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस करते हैं या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन माइनस करते हैं, इंडेक्स करके, वेरी गुड। इंडेक्स का कोई नया प्रजाति है क्या, कुछ नहीं है सर, जो अपने पढ़े ऑलरेडी वही है, बस उसको इंडेक्स कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अब अपने क्या पढ़े थे, आ जाओ, ओरिजिनल शेयर हमने परचेज किया था 1996 में, यानी हमने इसको परचेज किया था बिफोर 1/4/2001। अगर हमने इसको परचेज किया था बिफोर 1/4/2001 तो हमारे पास ऑप्शन है जितना में खरीदा वो, या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। खरीदा कितना हमने, ₹30 में,
142001 की वैल्यू कितनी है? 80 रुपीज। तो क्या अपने को विच एवर इज हायर में 80 रुपीज लेना है? द आंसर इज यस। तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या हो जाएगा? 1000 × 80 रुपीज। एवरीबॉडी सबको समझा ये कैसे आया, ऊपर पढ़ाई हमने वाली चीज को। तो 1000 × 80, तो कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अपना कितना बना? 1000 × 80 रुपीज, 80,000। एंड इस 80,000 में ट्रांसफर किस साल किया? इस साल किया। इस साल का सीसीआई 348। ओके, परचेज कब किया था? 1/4/2001 के पहले परचेज किया था। तो अगर परचेज किया था तो अपने को क्या लेना है? 100 लेना। ये फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 80,000 कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन आया। कैसे आया? विच एवर इज हायर ले लिया, इनटू 348 जो ईयर ऑफ ट्रांसफर है, और डिवाइड किया 100। सर इस ब्रोकरेज का आपने कुछ किया नहीं है, जो 1% ब्रोकरेज है कॉस्ट का, उसका कुछ नहीं किया? नहीं, गवर्नमेंट बोलती है जब हम तुमको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफर कर रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब उस दिन उसका यही फेयर मार्केट वैल्यू था, चाहे तुमने उस पे कुछ भी खर्चा किया हो, चाहे तुमने कुछ भी किया हो, आपको इरेलीवेंट हो गया वो फैक्ट। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया तो फिर वही उसका कॉस्ट बन जाता है। बस खत्म हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, एलटीसीजी आ जाएगा। तो एलटीसीजी अपना कितना आ रहा है? 80,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 196। ओ माय गॉड सर, लॉस आ रहा है 82,400 का। क्या लॉस आ सकता है? आ सकता है भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी हर बार गेन आएगा, लॉस भी तो हो सकता है बेचने पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज से एक चीज की और अंदर डाल लो, लॉस को ब्रैकेट में लिखने का, नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट। कहीं पे भी कोई फिगर अगर नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में डालने का आदत डाल लो। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को भी चेक करने में ईजी रहेगा, उसको भी देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन लगा दो तो माइनस दियो कि इक्वल टू दियो उसको समझेगा नहीं। इससे अच्छा ब्रैकेट में डाल दो, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब बात करते हैं जो 100 बोनस शेयर मेरे को अगस्त 2000 में मिला। तो पहली बात, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो सेम है, 200 रुपया में बिका है, 100 शेयर है, यानी 200 × 100 20,000 रुपये। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा? 20,000। एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस 2% है ब्रोकरेज का, तो 2% एक्सपेंस तो ही माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 19,600। ये अपना आया नेट सेल कंसिडरेशन। अब मेरे को बोनस शेयर है, कॉस्ट लोगे क्या? नहीं। बट देखो कब लिया? 2000 में। क्या 1/4/2001 के पहले का है? हाँ। तो अगर 1/4/2001 के पहले का है तो अपने क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू, यानी 80 लेना पड़ेगा अपने को कॉस्ट। क्या इंडेक्स करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि नहीं करेंगे, बोनस शेयर है तो नहीं करेंगे। शेयर इज अ शेयर, तो शेयर का इंडेक्सेशन होता है, तो अपने इसको इंडेक्स भी करेंगे। तो इंडेक्स करते हैं, तो हमने इस परचेज कितना लेना है? 80 लेना है, तो 80 × 100 अपना हुआ 8,000। 348 इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर, एंड सिंस 1/4/2001 के पहले का है तो 100 लेंगे। ओ माई गॉड सर, एक शॉर्टकट याद आ रहा है, एक ट्रिक याद आ रही है। सर इसका ये मतलब होता है कि बोनस शेयर के केस में जब भी इंडेक्सेशन होगा तो डिवाइड बाय 100 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? बिकॉज कॉस्ट तभी लेते हैं बोनस शेयर का जब वो 1/4/2001 के पहले का है, एंड जब भी 1/4/2001 के पहले का होता है तो 100 से ही डिवाइड होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ सर, समझ गया सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ओ माय गॉड, एलटीसीएल आ गया 8,240 का LTCL आ गया। कोई बात नहीं, आ सकता है, पॉसिबल है। अब बात करते जो 1100 बोनस शेयर हमने सेल किया, इसको भी सेल हमने कितना में किया? 200 रुपए में किया, एंड 2% ब्रोकरेज के साथ किया। तो 1100 × 200, तो नेट तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2,20,000। इसमें 2% का अपने एक्सपेंस बियर किए तो अपने पास आ गया 2,15,600। एवरीबॉडी 2,15,600 पहुंच गया। ठीक, अब बताओ कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन क्या माइनस करेंगे?
सर कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, सिंस ये बोनस शेयर है और ये 1/4 2001 के बाद का है, तो ये हो जाएगा निल, और इसके निल होते ही इंटायर अमाउंट विल बी आवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देख, जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और कोई भी लॉसेस है ना अपने पास, तो अपने उसको एक साथ जोड़ के सेट ऑफ कर सकते हैं। ये सेट ऑफ जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी बस इतना समझो, जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो लॉन्ग टर्म गेन से अपने माइनस कर सकते हैं। सिंस ये माइनस में फिगर है, ये माइनस में फिगर है, ये पॉजिटिव में फिगर है, तो कितना आएगा? तो आएगा 2,15,600 माइनस 82,400 माइनस 8,240, दैट इज 1,24,960 विल बी आवर नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चर्चा करेंगे। बाकी इसमें कोई दिक्कत आया? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में कोई दिक्कत नहीं आया, एकदम मक्खन था, जैसे चार्ट में था एकदम उसी तरह हमने इसको सॉल्व किया, ये बहुत ही इजीली अपने से सॉल्व हो गया। क्लियर? ओके, फर्स्ट टाइमर्स कोई प्रॉब्लम आया कैपिटल गेन में? ऐसा लगा नहीं नहीं पहली बार पढ़ रहे, दिमाग के ऊपर से जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा सर हमको लगा ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क। ये जो है ये है तुम्हारा राइट इशू का क्वेश्चन, ठीक है? जैसा हमने सॉल्व किया था ना एग्जांपल में, ये एक वैसा क्वेश्चन, तो एक बार इसको घर पे जरूर ट्राई करना। जिनके पास नहीं है एलएमएस डेमो वाले, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इसको घर पे एक बार ट्राई जरूर करना। ओके, चलिए क्विक रिविजन मारते देन इसको ओवर करते हैं। तो हमने सबसे पहली बात देखी सेक्शन नंबर 45, सेक्शन नंबर उसके भी पहले हमने क्या देखा, हमारा फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 23-24 एंड हमारा असेसमेंट ईयर है 24-25। 23-24 फाइनेंशियल ईयर मतलब 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 इनकम अर्न करते हैं हम फाइनेंशियल ईयर में एंड टैक्स का पेमेंट करते हैं 24-25 में, दैट इज आवर असेसमेंट ईयर। हमें देखना इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट एंड सर्कुलर नोटिफिकेशन एडजस्टमेंट। अपने लिए फाइनेंस एक्ट क्या है 2023, एग्जाम के लिए अभी अपने लिए यही रेलिवेंट है। अब अगर सेक्शन 51 बताता है कोई भी कैपिटल एसेट होता है उसका ट्रांसफर करते गेन होता है तो और वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म है तो 112 पे, शॉर्ट टर्म है तो 111 है, नॉर्मल टैक्स रेट लगता है। ठीक है, कैपिटल एसेट मतलब क्या हो गया? कैपिटल एसेट मतलब हो गया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इनटेंजिबल वेदर नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, जिसमें पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई इसमें आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होल्ड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या आएगा? ज्वेलरी, ड्रॉइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। फिर आएगा गोल्ड यूटेंसिल, बट सिल्वर यूटेंसिल इसमें नहीं आएगा, सिल्वर क्वाइन आएगा, सिल्वर बार आएगा, गोल्ड बार आएगा, सोवरेन आएगा एंड यूलिप आएगा। और क्या नहीं आएगा? एज इन स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके रखोगे तो नहीं आएगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं आएगा, इनफैक्ट उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है। एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आएगा। रूरल क्या होता है नहीं पता है, अर्बन बता दिया 10,000 से 1,00,000, तो वो एरिया अर्बन है, उसके बाहर का 2 किलोमीटर अर्बन, 1,00,000 से 10,00,000 वो एरिया अर्बन, उसके बाहर का 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर का एरिया अर्बन, 10,00,000 से ज्यादा वो एरिया अर्बन है, उसके बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाता है। फिर हमने देखा सबसे पहले लेना सेल कंसीडरेशन, उसमें माइनस करेंगे एक्सपेंस, आएगा नेट सेल कंसीडरेशन। फिर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन अगर शॉर्ट टर्म है तो, और लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, कैपिटल गेन आएगा, उसमें एग्जेम्पशन देंगे 10 या 54 का अगर एप्लीकेबल होगा तो। फिर या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने पास आ जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेना है? 50 CA बोलता है अनकोटेड शेयर के लिए, अनलिस्टेड शेयर के लिए फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल प्राइस व्हिच एवर इज हायर लेना है। 50D अपने को बोलता है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। जनरली क्या लेते हैं? अमाउंट रिसीव्ड लेते हैं। 50C लैंड एंड बिल्डिंग के लिए अपने को क्या बोलता है? इफ SDV इज मोर देन 110% तो SDV लेना है, अदरवाइज जो भी एक्चुअल कंसीडरेशन है वो लेना है। किसी भी केस में 110% वाला फिगर नहीं लेना है, उसको सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज करना है, उसको किसी भी केस में नहीं लेना गलती से भी। SDV किस दिन का लेना है? एग्रीमेंट का लेना है, प्रोवाइडेड अपने को उस दिन कोई भी रुपया अदर देन कैश रिसीव हो जाना चाहिए। नहीं नहीं सर बहुत ज्यादा वैल्यू है क्या करे, तो कोई बात नहीं AO के पास जाओ, AO वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकालता है मोर देन SDV तो SDV ले लेंगे, लेस देन SDV निकालता है तो जो भी वैल्यूएशन ऑफिसर निकाला वो ले लेंगे, बट बहुत ही ज्यादा कम निकालता है तो जितना सेल कंसिडरेशन है उतना ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे। बस इतना ही पढ़ा। फिर हम देखा कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, इनटेंजिबल एसेट के लिए सेल्फ जनरेटेड है तो निल, परचेस किया तो परचेस प्राइस, इनके पास 1/4/2001 वाला ऑप्शन नहीं होता है।
शेयर्स की बात करें, ओरिजिनल के लिए परचेस प्राइस या 1/4 2001 वाला का पहले लिया है तो 1/4 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू या परचेस प्राइस व्हिचएवर इज हायर लेना है। बोनस के लिए लेंगे निल, बट अगर बिफोर 1/4 2001 है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4 2001 ले लें। राइट इशू के लिए जो कंपनी को पैसा पे किया वही अपना बन जाएगा, बट अगर रिनाउंस हुआ है तो जितना थर्ड पर्सन को पे किया प्लस कंपनी को पे किया दोनों अमाउंट को जोड़ देना है अपने को, एंड थर्ड पर्सन के लिए वो अमाउंट पूरा का पूरा कैपिटल गेन बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अदर एसेट की बात कर ले, इसके अलावा जो भी एसेट है अगर परचेज किया आफ्टर 1/4 2001 तो एक्चुअल कॉस्ट और फोकट का मिला है तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ले लेना है अपने को। अगर परचेज किया बिफोर 1/4 2001 तो अदर्स के केस में एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4 2001 विच एवर इज हायर अपने को लेना है। फोकट का मिला तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अपने को लेना है। पर लैंड एंड बिल्डिंग के केस में बोला गया कि एसडीवी के ऊपर नहीं जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू या एसडीवी विच एवर इज लोअर पहले निकालेंगे, फिर जो फिगर आएगी उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से विच एवर इज हायर, और अगर फोकट का मिला है तो प्रीवियस ओनर के कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, दोनों में विच एवर जो हायर है दैट विल बी अवर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। You have a homework of this table. ये table आपका homework है and ये वाला question आपका homework है, इसका answer जरूर बता दो, ठीक है। So that's it for today. Thank you very much for joining in दोस्तों, आशा करता हूँ आपको DT में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा and DT आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आज आपको एक experience हो गया होगा। अब मिलते हैं आप लोगों के साथ Tuesday को DT, कल अपना सुबह है IDT, तो कल अपने IDT करेंगे, exemption chapter चल रहा अपना, तो exemption को कल continue करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद कैसे क्या करना वो बताऊंगा, इतना सारा पढ़ा दिया पता भी नहीं चला। दवा है ना, पी लो कुछ निकलवा नहीं है, पी लो ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दोस्तों, बहुत ज्यादा मजा आया, आप लोग से मिलते हैं परसों, जय श्री राम।